हाँ बच्चों, कैसे हो? तो आज आपका MTS नंबर 2 है, टोटल जो 8 है उनमें से, है ना। और जो ये फुल सिलेबस टेस्ट है, आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। फिर भी कोई डाउट रहा है तो हम लोग वन बाय वन सारे जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं ना। आप लोग भी जिस डिस्कशन के बाद या डिस्कशन के साथ साथ जो चीज़ें मैं बताऊँगा ना, तो NCERT जो है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखते जाएँ जहाँ पर भी आपको डाउट लगे। क्यों तो आओ शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है पहले हम लोग उनको डिस्कस कर रहे हैं। हर एक टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो पेपर हैं, उनके अकॉर्डिंग अपन ने क्वेश्चन जो यहाँ पर लिए हैं, है ना। तो सबसे पहले इनिशियली जंतु जगत एनिमल किंगडम जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है ना, उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैच द फॉलोइंग वाला एक क्वेश्चन यहाँ पर है, जिसमें दो कॉलम को मैच करके और करेक्ट ऑप्शन देखना था। जंतु जगत एनिमल किंगडम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना। तो ऑपरकुलम की बात यहाँ पर हो रही है, और जो ऑपरकुलम है ये आप लोग जानते हैं फिश से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, बोनी फिश है ना, उनके जो गिल्स हैं उनको कवर करने वाली स्ट्रक्चर है ऑपरकुलम। तो ऑपरकुलम जो है बोनी फिश से रिलेटेड स्ट्रक्चर जो गिल स्लिट्स को कवर करती है, तो ऑपरकुलम के लिए अपन कर देंगे ऑस्टिक्थीज। ये देखो आप लोग, है ना। तो ए का टू हो जाएगा, जो कार्टिलेजनस फिश है कॉन्ड्रिक्थीज, उसमें ऑपरकुलम जो उसकी एब्सेंस होती है। कॉम्प्लेट जो है वो एट रेडियल कॉम्प्लेट है, और ये पट्टिकाएँ हैं, ये नॉन कोडेट में टिनोफोरा जो है उससे रिलेटेड है। और सीलिएटेड कॉम्प्लेट है जो लोकोमोशन में हेल्प करती है ना, तो ये रिलेटेड हो गई किससे? टिनोफोरा से। हेयर्स जो है वो मैमल्स का करेक्टर है, तो ये मैमल्स से रिलेटेड हो गया। रेडुला काटने चबाने वाला, बिटिंग एंड चिविंग, या मैं कहूँ कि भोजन के फूड के मैकेनिकल डाइजेशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर है। मोलस्का जो है उससे रिलेटेड फीचर हो गया, है ना। और कोइनोसाइट जो है वो कॉलर सेल है, जो पोरीफेरा जो है उनकी केनाल सिस्टम जो उसको कवर करती है ना, तो ये जो है रिलेट हो गया किससे? पोरीफेरा से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने ऑप्शन जो वो देख सकते हैं। ए का टू दो के अंदर हो रहा है, फिर बी का फोर ये रहा, है ना, और सी का फाइव ये रहा, और D का 1 ये रहा, और E का 3 ये रहा। तो अपना आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। तो ऑपरकुलम, कॉम्ब पट्टिकाएँ, बाल, रेडुला, कोइनोसाइट, आप लोगों ने अच्छे से रिलेट कर लिया होगा। आगे चले आओ। अगला जो क्वेश्चन है वो सेगमेंटेशन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और सेगमेंटेशन जो है वो आप लोग जानते हैं जो फीचर है वो इनिशियली पोरीफेरा सिलेंट्रेट उनके अंदर अब्सेंट था। पोरीफेरा में भी नहीं था, सिलेंट्रेट में भी नहीं था, टिनोफोर में भी नहीं था, प्लेटी एलमेंथीज में भी नहीं था, एस के एलमेंथीज में भी नहीं था, ये सब अनसेगमेंटेड थे। और फर्स्ट टाइम ये एनेलिडा से स्टार्ट हुआ। एनेलिडा में भी सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन आप लोग जानते हैं कि बॉडी एक्सटर्नली भी सेगमेंट में डिवाइड हो, बाहर से भी, अंदर भी वो सेगमेंट में डिवाइड हो, और हर एक खंड में इस बॉडी के सेगमेंट में कुछ ऑर्गन जो है वो बार बार रिपीट हो, ये सब मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाता है। और ये सबसे अच्छा फीचर जो है वो फर्स्ट टाइम एनेलिड्स जो हैं उनके अंदर ऑब्जर्व किया गया, एनेलिड्स के अंदर। तो सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, शरीर में खंडीय भवन की उपस्थिति सबसे पहले में से किसमें थी? तो आंसर हो जाएगा एनेलिडा। सबसे पहले पूछी है ना, सबसे पहले प्लेटी एलमेंथीज में तो था ही नहीं, एस्के एलमेंथीज में भी नहीं था, इनके बाद एनेलिडा आया। उसके बाद जो है ऑर्थोपोड के अंदर भी ये मिलता है, एनेलिड में है, ऑर्थोपोड में सेगमेंटेशन है, लेकिन मोलस्क में और इकाइनोडर्मेट जो हैं उनके अंदर सेगमेंटेशन अब्सेंट होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व इन, सबसे पहले किस में देखा गया? तो सबसे पहले जो देखा गया वो एनेलिड में देखा गया, बाद में ऑर्थोपोड में भी ये जो फीचर वो इवोल्व हुआ था, लेकिन सबसे पहले पूछा है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड, ठीक है। आओ आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। मैमल जो हैं उनसे रिलेटेड यूनिक फीचर पूछा है,
सबसे अलग फीचर, तो मैमल का जो यूनिक फीचर है वो मेमोरी ग्लैंड की भी प्रेजेंस है, वो बॉडी हेयर की भी प्रेजेंस है। लेकिन अगर ये पूछे कि मोस्ट यूनिक फीचर, सबसे यूनिक फीचर, तब मेमोरी ग्लैंड की प्रेजेंस है। मेन थ्योरी में ये दो ये पॉइंट जो वो दिया हुआ है, मोस्ट यूनिक भी दे रखा है और स्किन के लिए भी यूनिक शब्द यूज करते हुए हेयर की बात हुई है। लास्ट में जो समरी है, सारांश जो है कोर्डेट के एंड में, उस सारांश के अंदर ये दे रखा है ये लाइन कि यूनिक फीचर ऑफ मैमल आर द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, है ना। तो सबसे यूनिक फीचर जो है वो मेमोरी ग्लैंड भी हो गया और बॉडी पर हेयर की प्रेजेंस भी हो गई, समझ रहे हो। यही क्वेश्चन ऐसे होता मोस्ट यूनिक, तो मोस्ट यूनिक के केस में ओनली मेमोरी ग्लैंड आंसर जाता क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, ये भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है, दोनों कॉलम को मैच करना है और एनिमल किंगडम से ही रिलेटेड है, तो देख लेते हैं। एयर सेक कनेक्टेड टू लंग्स, कि फेफड़ों से वायु को जुड़े होते हैं और ये फीचर तो पक्षियों का है, बर्ड्स का है ना, और यहाँ पर अपने को देख रहे हैं कि कौन सा एक बर्ड है ना, स्कोलियोडॉन फिश है, कॉर्वस एक पक्षी है ना, कोवा, तो ये रिलेट हो गया क्रो से, कॉर्वस। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जो, और अलग अलग टाइप के टीथ की प्रेजेंस मैमल का फीचर है ना, तो यहाँ अपने को मैमल देखना है, ये फिश है, ये पक्षी है, कैनिस जो है ये एक कार्निवोरस मैमल जो है उसकी कैटेगरी में आ गया, तो इसके अंदर ये जो है डिफरेंट टाइप के टीथ आ गए। ड्राई कॉर्निफाइड स्किन जो है वो रेप्टाइल का फीचर है, और यहाँ पर रेप्टाइल कौन है, क्रेट, क्रेट एक स्नेक है ना, तो इसे लेटर हो गया। और मेल विथ क्लेस्पर ऑर्गन, क्लेस्पर ऑर्गन कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, और ये कॉन्ड्रक्थीज जो हैं, कार्टिलेजनस फिश जो हैं उसके अंदर पेल्विक फिन जो है उसका एक मॉडिफिकेशन है, और ये रिलेट हो गया स्कोलियोडोन से। ठीक है, तो इन सब को अगर देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ए का टू, ए का टू एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है, फिर क्या है, बी का थर्ड, बी का थर्ड ये रहा, इसका मतलब आंसर सेकेंड ही होगा। और भी देख लेते हैं, सी का फोर हो गया और डी जो है उसका फर्स्ट हो गया, आंसर हो जाएगा अपना सेकेंड। ठीक है, तो ये एक एनिमल किंगडम जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपना यहाँ पे हो गया। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, हिस्टोलॉजी से स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो अपने एनिमल किंगडम के हो गए, अब टिश्यू के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो विच वन ऑफन सर्व एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, कौन सा एपिथेलियम जो है उसके लिए एक सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह वर्क कर रहा है ना, उनको सहारा उपलब्ध करा रहा है। तो देखिए ये जो है एरियोलर टिश्यू जो है उसका फंक्शन, एरियोलर, तो यहाँ पर आंसर अपना कौन सा आ जाएगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर उत्तक, ये जो है वो स्किन के नीचे होता है, एपिथेलियम को सपोर्ट करता है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में तो जो है रज्जु बनते हैं, कॉर्ड बनते हैं, इसमें तो टेंडन लिगामेंट होते हैं, टेंडन जो है वो बोन के साथ मसल को जोड़ता है, लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करता है। कार्टिलेज का ऐसा कोई रोल नहीं, कार्टिलेज तो स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है, वो स्किन को कोई ऐसा सपोर्ट नहीं देता। और ऑस्टियोसाइट बोन फॉर्मिंग सेल है ना, उनका भी यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा एरियोलर टिश्यू। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द यूरिन ऑफ मैन अंडर नॉर्मल कंडीशन डज नॉट कंटेन ग्लूकोज, बिकॉज सामान्य परिस्थिति में जो अपना यूरिन है, जब भी ब्लड फिल्टर होता है तो ग्लोमेरुलस से, तो जो फिल्ट्रेट बनता है बोमेन संपुट में, कैप्सूल में, तो उसके अंदर पूरा प्लाज्मा जो है उसके कई कंपोनेंट जो है लार्ज कंपोनेंट को छोड़ के वो सब फिल्टर हो जाते हैं, सेल्स नहीं जाती, बड़े प्रोटीन नहीं जाते हैं, लेकिन बाकी आयन है, वाटर है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, यूरिया है, वो सब चले जाते हैं। अब ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद ग्लूकोज चला तो गया, लेकिन वो जो फिल्ट्रेट फाइनली यूरिन की फॉर्म में कलेक्टिंग डक्ट में बनता है उसमें ग्लूकोज की प्रेजेंस नहीं होती है। ब्लड फिल्टर जब हुआ तो ग्लूकोज गया, लेकिन यूरिन में ग्लूकोज नहीं था, तो ग्लूकोज गया कहाँ, ग्लूकोज को 100% PCT से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
एक्टिवली ग्लूकोज को भी एमिनो एसिड को भी, यही क्वेश्चन अगर एमिनो एसिड से लेट करके पूछे तब भी अपने को यही आंसर देना था कि जो फिल्ट्रेट बना था उसमें पीसीटी में ही एक्टिवली पूरा का पूरा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ऐसा ही ऑप्शन अपने को इसके अंदर देखना है। तो जैसे पहला कि ग्लूकोज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, नहीं ऐसा नहीं होता। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में जो कन्वर्जन है, बदलाव है, वो लीवर और मसल के अंदर ही होता है, लीवर में मेनली होके और वो फिर वहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो पहला आंसर जो है वो यहाँ पर नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा क्या है, ग्लूकोज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज एब्जॉर्ब्ड इन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, हाँ ये परफेक्ट ऑप्शन है। और ये पूरा प्रोसेस हो कहाँ रहा है, पीसीटी में, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और 100% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, 100% रीअब्जॉर्प्शन वहाँ पर कंप्लीट होता है। और ये जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कैसा होता है, एक्टिवली, ये एक्टिव प्रोसेस है और ये एमिनो एसिड के लिए भी होता है। तो अपना यही ऑप्शन यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी बताऊंगा, बाकी देख लो कि ग्लूकोज ऑफ द ब्लड इज नॉट फिल्टर इन ग्लोमेरुलर एरिया, नहीं ऐसा नहीं होता, ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन होता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और अगला देखिए, द नॉर्मल ब्लड शुगर इज फ्रक्टोज, नहीं ब्लड शुगर कहाँ फ्रक्टोज होती है, फ्रक्टोज तो जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर मेल के अंदर जो सेमिनल वेसिकल है वो बनाती है और वो सीमन के अंदर प्रेजेंट होती है, बाकी बॉडी के अंदर कहीं पर भी फ्रक्टोज नहीं होती है, समझ रहे हो। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। आगे चले आओ फिर, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना, इनकरेक्ट इनकरेक्ट रिगार्डिंग कॉकरोच, है ना। तो पहले एनिमल किंगडम के आ गए, फिर हिस्टोलॉजी के आ गए, और अब जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कॉकरोच के लिए। कॉकरोच में भी एक दो क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है ना, तो देख लेते हैं। इट इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा और फाइलम ऑर्थोपोडा, बिल्कुल सही है। एनिमल किंगडम में नॉन कोर्डेट में फाइलम ऑर्थोपोडा जो है उसमें क्लास इंसेक्टा का मेंबर है। इंसेक्टा क्लास के जितने भी मेंबर हैं ये सब हेक्सापोडा है, मतलब इनके अंदर 6 पेयर हैं या 3 पेयर लेग्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एनिमल किंगडम में नॉन कोर्डेट में फाइलम ऑर्थोपोड के अंदर क्लास इंसेक्टा का ये मेंबर है, तो ये तो करेक्ट आंसर, मतलब ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। अपने को इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, और भी देख लेते हैं। दे आर नॉक्टर्नल एंड ओमनिवोरस, मतलब रात्रिचर और सर्वाहारी, बिल्कुल सही है। ये नाइट के टाइम एक्टिव होते हैं ना, सब कुछ खा सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, अपने को गलत देखना है। इट बॉडी इज सेगमेंटेड इंटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ये देखो इसकी बॉडी तीनों पार्ट के अंदर डिवाइडेड भी है। एब्डोमेन के अंदर 10 सेगमेंट होते हैं इस तरीके से, है ना, हेड जो वो 6 सेगमेंट से फ्यूज होकर बना हुआ है। ये स्टेटमेंट भी इसका क्या हो गया, सही हो गया। लास्ट स्टेटमेंट देखो, टैगमिना इज ट्रांसपेरेंट, टैगमिना जो है वो मिजोविंग है। देखो तीन पार्ट है, प्रोथोरिक्स, मिजोथोरिक्स, मेटाथोरिक्स, लेग तीनों से है, प्रोलेग, मीजोलेग और मेटालेग, वन पेयर इससे। लेकिन विंग्स जो है वो बॉडी के एक तो मीजो पार्ट से निकल रहे हैं और एक मेटा पार्ट से निकल रहे हैं। तो ये जो मीजो विंग है ना, ये मीजो विंग टैगमिना है, ये थिक होता है, लेथार्जी होता है, मतलब मोटा होता है, और ये प्रोटेक्टिव शील्ड है, ये उड़ने में हेल्पफुल नहीं है, है ना। और ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस एंड यूज्ड इन फ्लाइट, ये मेटा विंग है, ये लास्ट वाला, ये मेटा विंग की बात की जा रही है ना, और टैगमिना जो है वो तो मिजो विंग है ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो गया। ठीक है, चले आगे आओ फिर। अगर डाउट लगे ना तो आप लोग है ना एनसीईआरटी खोल के उसके अंदर चेक कर लेना। चलो आगे देख लेते हैं, 108 क्वेश्चन है, मैचिंग वाला है। और आप लोग जानते हैं कि नीट में ना मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा ही रहते हैं, ताकि बच्चों का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा किल हो ना, वो लोग यही चाहते हैं कि सिलेक्शन से ज़्यादा बच्चे बाहर हो। तो मैच द फॉलोइंग वाले जो क्वेश्चन है उसमें आपको परफेक्टली जो है वो मैचिंग जब करो तो ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो देखिए आप लोग, इनएबिलिटी
इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर 2 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहिबिटेशन, है ना। ये अपना 12th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला है, चैप्टर नंबर 4 है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके अंदर लास्ट में समरी के अंदर दिया हुआ है। समरी में एंड एंड की लाइन है कि 2 साल तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के कोई कपल जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, फिर भी वो जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पाती है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है इनफर्टिलिटी, है ना। तो ऐसा ऑप्शन अपने को देखना है, इनफर्टिलिटी वाला, वो तो ये रहा, यानी फर्स्ट का हो जाएगा अपना एफ। तो जब भी नीट में ऐसे क्वेश्चन आए तो तुरंत सामने जो आपको लग रहा है उसका यहाँ पर नोट कर दो इसको। फिर हर्ड इम्प्रूवमेंट है ये, और ये जो हर्ड यर्ड कर दिया यहाँ पे, हर्ड इम्प्रूवमेंट है, HERD, तो हर्ड इम्प्रूवमेंट का मतलब है झुंड सुधार, NCERT का ये। और हर्ड इम्प्रूवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये चैप्टर नंबर 9 जो अपना एनिमल हस्बेंड्री वाला, और उसमें जो MOET है उसके अंदर है कि जो एनिमल का जो ग्रुप है उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए MOET वगैरह की जाती है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर वाली जो टेक्निक है। तो हर्ड इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। तो सेकेंड का हो जाएगा यहाँ पर क्या, डी। फिर सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जो है वो कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना, इवोल्यूशन से रिलेटेड। और सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इवोल्यूशन में भी जो म्यूटेशन थ्योरी है वो वाला पार्ट है, और साल्टेशन इसके लिए स्टेटमेंट दिया है ना, एंड एंड के अंदर है उसमें, पहले तो लेमार्किज्म, फिर डार्विनिज्म, और फिर म्यूटेशन थ्योरी। तो इसका साल्टेशन देखो कहाँ लिखा हुआ, ये रहा ई वाला साल्टेशन, यानी इसका हो गया अपना आंसर ई, साल्टेशन। की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म, वहीं पर डार्विनिज्म के लिए 2 की कॉन्सेप्ट है, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सेलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट जो पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन है कि कैसे एवोल्यूशन हो रहा है ना, पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन, इस एंसेस्टर से ऐसे 2 बनते गए ऐसे, ये देखो ये तो ब्रांचिंग डिसेंट है, पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन, है ना। और एक नेचुरल सेलेक्शन, वो है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, वो है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। इसका मतलब है कि जो 4 है उसमें ए भी हो सकता है, और 4 के अंदर ये देखो सी भी हो सकता है, यानी इसके अंदर 4 में अपन ए भी ले सकते हैं और सी भी ले सकते हैं, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कौन सा एक बेटर है ना। चलो लास्ट बचा है सबसिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन। ये तो अपना इम्यून सिस्टम वाला जो चैप्टर है, मतलब चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके अंदर जो इम्यूनिटी है उसमें भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर इसकी बात हुई है। जैसे फर्स्ट टाइम जब भी कोई बॉडी में एंटीजन आता है उसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, उसके अंदर मेमोरी सेल बनती है, और सेकेंड टाइम वही एंटीजन जब इन फ्यूचर दोबारा आता है तो वो सबसिक्वेंट इन्फेक्शन होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, और उसी को बोलते हैं एन एमनिस्टिक रिस्पॉन्स, है ना। तो इसका मतलब है 4 जो है उसका आंसर बैठ जाएगा बी, ठीक है। अब ऐसा करेक्टली मेज्ड ऑप्शन आप लोग देख लो इसके अंदर कौन सा बेटर है, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट का एफ कितने में, इसमें 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 इसमें, ओहो ये तो सब में आ गया। चलो सेकेंड का डी चेक करो, सेकेंड का ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, फिर तो यही हो गया आंसर यार, सेकेंड का डी, मतलब सेकेंड ही आंसर हो गया। फिर भी और चेक कर लेते हैं, थर्ड का ई देखो, थर्ड का एक मिनट, सेकेंड लगाया ना अपन, फर्स्ट का एफ सेकेंड का डी, थर्ड का ई भी बैठ रहा है देखो, और फोर्थ का ए और सी 2 लिए अपन ने, है ना। तो ए अगर नहीं है तो सी तो बैठ ही रहा है, तो फोर्थ का यहाँ पर सी भी सही है, और फिफ्थ का बी ये देखो, तो इसका मतलब आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। झुंड में सुधार है, ये वाला स्टेटमेंट है, ये सब NCERT के ही 12th वाला जो पोर्शन है उसमें अलग अलग चैप्टर से स्टेटमेंट लिए हुए हैं, और उन्हीं में अलग अलग जगह से मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो ये मत कहना आउट ऑफ NCERT है ना, NCERT से लिया हुआ है। चलो आगे चलें, आओ ओके, ये लो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ से बताओ, कौन से चैप्टर से,
मतलब इलेवंथ वाली एनसीईआरटी से या ट्वेल्थ से सीधा पता लग रहा है, ये इलेवंथ की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 21 जो है उसमें स्टार्टिंग में न्यूरॉन की फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। क्या पूछ रहा है कि द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ ए न्यूरोन इज मेंटेन बाई, आप लोग देखो कि जो एक्सोलिमा है, एक्सोलिमा नोड ऑफ रेनिवियर वाला पार्ट मान लो, ये एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म और ये बाहर वाला एरिया है ना, और तुम लोग जानते हो बाहर सोडियम ज़्यादा है, बाहर पोटेशियम कम है, बाहर क्लोराइड जो है वो ज़्यादा है, बाहर कैल्शियम भी क्या है ज़्यादा है, और ये जो कंसनट्रेशन है उसका उल्टा अंदर है, अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। यहाँ पर मेम्ब्रेन पर कुछ लीक चैनल होते हैं, लीक चैनल जैसे पोटेशियम का, सोडियम का लीक चैनल, तो पोटेशियम लीक चैनल से पोटेशियम बाहर लीक हो जाता है, ये नॉन गेटेड चैनल है, और सोडियम लीक चैनल से सोडियम अंदर की तरफ लीक इन हो जाता है, ये लीक आउट हो जाता है। इससे बाहर पोटेशियम बढ़ सकता है, अंदर सोडियम बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा पंप जो है सोडियम पोटेशियम पंप वो ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिवली इन आयनों को वापस जहाँ से आए हैं वहाँ पर पंप कर देता है। इन लीक चैनल ने जो गड़बड़ की कि पोटेशियम बाहर चला गया और सोडियम अंदर आ गया, तो जो सोडियम अंदर आ गया तीन सोडियम को ये वापस अपने साथ जोड़ करके तीन सोडियम को बाहर पंप कर देता है, और बाहर से दो पोटेशियम को अपने साथ जोड़ करके अंदर पंप कर देता है एक्टिवली। देखो सोडियम को हाई लो से हाई की तरफ भेजा जा रहा है, और पोटेशियम को भी लो से हाई की तरफ अंदर भेजा जा रहा है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। इन्होंने जो गड़बड़ की उन आयनों को वापस वहीं भेज दिया जहाँ पर वो हैं, और इससे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है कौन, Na प्लस के प्लस पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। और बाकी जो गेटेड चैनल है सोडियम पोटेशियम और जो नॉन गेटेड लीक चैनल है वो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, या मैं कहूँ कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, सिंपल डिफ्यूजन तो होता ही नहीं है ना। तो अपना यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। और अगर ये सोडियम पोटेशियम पंप ऑपरेट होना बंद हो जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए मान लो नीट में कि सोडियम पोटेशियम चैनल अगर पंप अगर वर्क ना करे तो क्या होगा, तो अंदर तो बढ़ जाएगा सोडियम, देखो लीक चैनल, और बाहर बढ़ जाएगा पोटेशियम। ये पंप ही है जिसकी वजह से बाहर ज्यादा है सोडियम और अंदर ज्यादा है पोटेशियम, ठीक है। चले आगे आओ, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो अब आप लोग क्या कह रहे हैं। ये तो ईयर वाला क्वेश्चन है, इंटरनल ईयर हियरिंग की मैकेनिज्म वाला है कि जब भी साउंड वाइब्रेशन जो है वो ईयर से, ईयर पिना से होता हुआ, केनाल से होता हुआ ईयर ड्रम से टकराता है, तो ईयर ड्रम से टकराने के बाद ओसिकल से वो वाइब्रेशन एम्पलीफाई होता हुआ ओवेल विंडो से टकराता है ना। ओवेल विंडो पे जब वाइब्रेशन टकराता है ट्रांसमिशन के बाद, तो इंटरनल ईयर में जो कॉकलिया वाला पार्ट है आप लोग जानते हैं उसमें तीन चैम्बर, अपर मिडल लोअर स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। तो स्केला वेस्टिबुली जो है उसमें पेरिलिम्फ है, और वो जो वाइब्रेशन है उस चैम्बर से फिर मिडल चैम्बर में आ गया, मिडल चैम्बर में भी हलचल होती है, मूवमेंट होता है, और क्योंकि वो फ्लूड मूव करता है, और फ्लूड के मूवमेंट से जो बैसिलर मेम्ब्रेन है वो ऊपर नीचे मूवमेंट करती है, और जब बैसिलर मेम्ब्रेन में ऊपर नीचे मूवमेंट होता है तो उसके ऊपर जो हेयर सेल है वो उसके ऊपर जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है उससे टकराते हैं, और उससे फिर एक्शन पोटेंशियल हेयर सेल के बेस से जो न्यूरो निकला हुआ है उससे ब्रेन में चला जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, और एनसीईआरटी की लाइन है कि द साउंड वाइब्रेशन आर पास्ड थ्रू द मिडल ईयर टू ओवेल विंडो, है ना, ओवेल विंडो ऑन टू द फ्लूड ऑफ द कॉकलिया, कॉकलिया के फ्लूड में, और वहाँ पे वो एक वेव जनरेट करती है लिम्फ में जो किसको ऊपर नीचे मूव कराता है, किस में हलचल करता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा अपना, बैसिलर मेम्ब्रेन, एनसीईआरटी की लाइन है। एक्सटर्नल ईयर से वाइब्रेशन जो है वो कलेक्ट होता हुआ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से टकराया, फिर मेलियस, फिर इनकस और फिर स्टेपीज, है ना। और आप लोग देखो इंटरनल ईयर के अंदर ये वाला, ये मान लो ओवेल विंडो और ये मान लो राउंड विंडो, तो ओवेल विंडो पे वाइब्रेशन आया, और ये देखो चैम्बर, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया,
और स्केलर टिम पे नहीं। अब जैसे वाइब्रेशन इस पे टकराया इसमें मूवमेंट होगा, ये वाइब्रेशन जो है वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इसमें आएगा, तो इसमें फ्लूड का मूवमेंट होगा। इससे ये देखो ये बैसिलर मेम्ब्रेन है, ये ऊपर नीचे होगी है ना, और यही जो है क्वेश्चन में पूछा था कि ये जो मूवमेंट है वो किस में होता है, बैसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है आओ चले, फिर भी अगर डाउट हो तो एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लो, उसके अंदर दिया हुआ है। और जब इसमें मूवमेंट होगा तो हेयर सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और वो एक्शन पोटेंशियल ब्रेन के पास भेजती है, जिससे अपने को अलग अलग फ्रिक्वेंसी के साउंड का पता लगता है। ऐसा भी अगर पूछ ले कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी का साउंड जो है उसको सेंस करने में कौन हेल्प करता है, तो आंसर यही देना है, बैसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी, मीडियम फ्रिक्वेंसी और यहाँ पर सबसे कम फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फ्रिक्वेंसी नहीं, पिच, पिच कि हाई पिच का जो साउंड है वो यहाँ पे, लो फ्रिक्वेंसी या पिच का जो साउंड है वो यहाँ पे और मीडियम का यहाँ पे, बैसिलर मेम्ब्रेन। ओके चलो, अब है क्वेश्चन नंबर 111। पढ़ो क्वेश्चन को, क्या लिखा है उसमें, देखो पानी पी लेता हूँ मैं इतने में। रेटिना जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग जानते हो आई बॉल में सबसे बाहर की तरफ स्क्लेरा, फिर कोरोइड और फिर रेटिना है, फिर कौन सा पार्ट है, रेटिना। ये रेटिना है जैसे मान लो, और रेटिना में भी बाहर की तरफ जो लेयर है वो पिगमेंटेड लेयर है, आउटसाइड नॉन नर्वस, फिर अंदर की तरफ नर्वस लेयर है और उसमें भी तीन सेल की अलग अलग लेयर है। सबसे बाहर की तरफ जो सेल की लेयर है वो फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, और वो फोटो रिसेप्टर सेल कौन सी है, रोड सेल एंड कॉन सेल्स। तो इसका मतलब है फोटो रिसेप्टर सेल रेटिना में बाहर की तरफ है, फिर मिडल जो है वो है बाई पोलर सेल्स मिडल, और सबसे अंदर की तरफ जो वो है गैंग्लियोनिक सेल्स, गैंग्लियोनिक सेल्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ थ्री लेयर ऑफ सेल्स इन रेटिना ऑफ ह्यूमन आई फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड पूछ रहा है। फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड मतलब ये देखना है, गैंग्लियोनिक, बाइपोलर और फोटोरिसेप्टर सेल। कहाँ है ऑप्शन है सर, ये नहीं लेंगे, गैंग्लियोनिक सेल और फिर रोड कौन दे दिया, ये गड़बड़ हो गया। तो ये देखो गैंग्लियोनिक सेल्स आ गया, गुच्छिका कोशिकाएं, अंदर से बाहर की तरफ, देखो अंदर से बाहर की तरफ, इनसाइड आउट। तो गैंग्लियोनिक सेल, फिर बाइपोलर सेल और फिर फोटोरिसेप्टर सेल। फोटोरिसेप्टर सेल में रोड एंड कौन दोनों एक साथ आ गई, तो अपना यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। क्यों सिंपल सा ही, तो चले आगे आओ। ये भी ध्यान रखना कि एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट करती है वो गैंग्लियोनिक सेल करती है। अगर मान लो नीट में आ जाए कि कौन सा क्रिया विभव जनरेट करती है, तो वो गैंग्लियोनिक सेल है। और अच्छे पॉइंट आपको पता है कि जब भी ये एक्टिवेट नहीं होती है तब डीपोलराइज रहती है, फोटोरिसेप्टर सेल जब भी एक्टिवेट नहीं होती है तब डीपोलराइज रहती है, और जब भी इन पे लाइट गिरती है तब ये हाइपरपोलराइज होती है, हाइपरपोलराइज हो जाती है ना। ये यही एक्सेप्शन है सेंसरी ऑर्गन में आई का, बाकी जितने भी सेंसरी ऑर्गन है उनमें जो रिसेप्टर सेल है जब एक्टिवेट नहीं होती है तब वो पोलराइज रहती हैं, और जब उनका एक्टिवेशन होता है तब वो डीपोलराइज रहती है। लेकिन आई वाला जो कॉन्सेप्ट वो उल्टा है, ये नीट में पूछा हुआ भी है, आई में जब लाइट नहीं गिरती है तब तो रहती है डीपोलराइज रोड एंड कौन, और जब लाइट गिरती है तब वो हाइपरपोलराइज हो जाती है। ठीक है चलो रब कर देते हैं इसको पहले। लो अब क्वेश्चन नंबर 112 की बात कर लेते हैं। द पॉइंट ऑफ आई वेयर द विजुअल एक्टिविटी रेजोल्यूशन इज ग्रेटेस्ट, आँख का वह बिंदु जहाँ पर दृश्य क्रियाशीलता रेजोल्यूशन सबसे अधिक होती है, मतलब सबसे साफ इमेज बनती है, वो तो आपका येलो स्पॉट जो है उसके सेंटर के अंदर जो फोविया सेंट्रलिस है वही वाला पार्ट है जहाँ पर ओनली कौन जो है उनकी प्रेजेंस होती है, तो फोविया आंसर हो जाएगा, फोविया सेंट्रलिस। ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन था, मैक्यूला जो ल्यूटिया येलो स्पॉट है उसके अंदर जो फोविया है वो आंसर है। ओके कॉर्पस ल्यूटियम तो पीत पिंड है,
वो तो ओवरी वाला है, ओवुलेशन के बाद जो बनता है, और मैक्यूला ल्यूटिया नहीं है, उस येलो स्पॉट के अंदर जो फोविया सेंट्रलिस है वो है, एनसीईआरटी के लाइन है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन डज नॉट एक्ट बाई ए सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम। देखो जो भी हॉर्मोन जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, और वो अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है तो वो है हाइड्रोफोबिक, और जो भी हाइड्रोफोबिक है यानी वो स्टेरॉइड वाले, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन और किडनी के जैसे कॉर्टेक्स में ग्लूकोकॉर्टिकोइड मिनरलोकॉर्टिकोइड सेक्स कॉर्टिकोइड वो सारे ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। इसका मतलब है इनके सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनते हैं, और जो भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है मतलब वो हाइड्रोफिलिक होगा, प्रोटीन पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड वो हाइड्रोफिलिक, फिलिक जल स्नेही होगा, ध्रुवीय होगा, पोलर, ये तो नॉन पोलर और ये पोलर, तो इनके लिए मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर होते हैं और उसके ऊपर वो हॉर्मोन जुड़ जाता है, वो प्राइमरी मैसेंजर होता है, और उस क्योंकि वो खुद अंदर नहीं जा सकता तो रिसेप्टर अंदर की तरफ क्या बना देता है, सेकेंडरी मैसेंजर। तो सेकेंडरी मैसेंजर प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड वो जितने और एमाइन जितने भी हॉर्मोन होते हैं उन सब के लिए बनते हैं, जैसे ग्लूकेगोन के लिए बन जाएगा, FSH के लिए बन जाएगा, ये एमाइन है टायरोसिन का बना हुआ इसके लिए बन जाएगा, लेकिन टेस्टोस्टेरोन तो स्टेरॉयडल है ना, वो तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, तो उसको अपने मैसेज को अंदर पहुंचाने के लिए किसी सेकेंडरी मैसेंजर की नीड नहीं है, है ना। और यही पूछा था कि कौन सा जो हॉर्मोन है वो बिना द्वितीयक संदेश वाहक तंत्र के द्वारा कार्य करता है, तो आंसर हो जाएगा अपना टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जीन लेवल पे वर्क करता है, जीन एक्सप्रेशन करा देता है। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। ऑक्सीटोसिन जो है हाइपोथैलेमस की हेल्प से पार्स नर्वोसा से रिलीज होता है, और चाइल्ड बर्थ में हेल्पफुल है, और मेमोरी ग्लैंड जो है उससे मिल्क को बाहर की तरफ रिलीज कराता है ना, तो ऐसा ही अपने घर में देखना है। मेटाबॉलिक रेट से उसका लेना देना नहीं है, कैल्शियम लेवल के रेगुलेशन में कोई रोल नहीं है, वो तो थायरोकैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी कुछ कर सकता है। कॉजिंग कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्रस, ये सही है, गर्भाशय के संकुचन का कारण बनता है, चाइल्ड बर्थ होती है प्रसव हो पाता है। फिर ये क्या लिखा है, प्रिवेंटिंग मिल्क रिलीज फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियों से दुग्ध निष्कासन को रोकता है, नहीं रोकता थोड़ी है, प्रेरित करता है, उल्टा हो गया, प्रिवेंटिंग की जगह होगा इंड्यूसिंग, तब ये सही होता है। इसका मतलब है अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 115 देखो आप लोग, मैचिंग वाला क्वेश्चन है, मूवमेंट लोकोमोशन बोन वाला है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ है भाई, बॉल एंड सॉकेट आपका पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस के बीच में, पेल्वी गर्डल और फीमर के बीच में है ना बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट के लिए यहाँ पर आप लोग देखो ये वाला ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल, तो ए का तो हो जाएगा 5। हिंज जॉइंट, ये देखो हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट आपका एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, आपके फेलेंजेज में भी है ना, ऐसा देखना कहाँ पे दिया हिंज के लिए, कार्पल एंड मेटा कार्पल ऑप्थम नहीं, ये तो सैडल वाला है, एटलस एंड एक्सेस, ये एटलस एक्सेस ये तो पाइवोट है, फ्रंटल पेराइटल ये तो आपकी फाइब्रस जॉइंट है, इमोवेबल स्कल वाला, नी दे रखा है ये परफेक्ट बैठ रहा है घुटने वाला, तो बी का हो जाएगा 4। पाइवोट जॉइंट अपना कौन सा है, ये एटलस एंड एक्सेस सेकेंड, और सैडल जॉइंट जो है वो थंब जो है उसका कार्पल और मेटाकार्पल है, तो कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब है ना, तो डी का हो जाएगा 1। तो आंसर कौन सा बेटर है अभी, ए का 5 कहाँ है, ए का 5 एक तो ये रहा और एक ये रहा, बी का 4 ये रहा ये रहा, सी का 2 सी का 2 ये रहा, लेकिन यहाँ पर सी का 3 आ गया, और डी का 1 ये रहा, तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा इसमें 1। 115 का एक आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये लो 116 नंबर क्वेश्चन किसका है भाई, ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, इसमें कुछ स्ट्रक्चर पूछी है जिसमें फीमेल जो है उसमें
अनपेड पूछ रहा है शायद, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग अनपेड स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें से कितनी ऐसी मादा प्रजनन तंत्र से संबंधित संरचनाएं हैं जो अयुग्मित है ना, तो अयुग्मित संरचनाएं क्लाइटोरिस फीमेल से संबंधित है, अयुग्मित है। वॉम्ब गर्भाशय भी मादा से संबंधित है, अयुग्मित है, एक ही है। फेलोपियन ट्यूब फीमेल से तो रिलेटेड है लेकिन ये तो पेड है, अनपेड पूछ रहा है, और ये दोनों जो है वो मेल से संबंधित है, ये तो मेल में है ना, तो अपने को फीमेल का अनपेड पूछ रहा है, इसका मतलब है ये दो ही है, तो आंसर अपना कौन सा बैठेगा, थर्ड, थर्ड के अंदर आंसर हो जाएगा टू। ठीक है, एक सौ सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी मैचिंग वाला आ गया और ये भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, आओ दोनों स्तंभों को मिलान करना है। इंटरस्टिटियल सेल अंतराली कोशिका है और ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसके बाहर की तरफ, जो एंड्रोजन बनाती है, टेस्टोस्टेरोन बनाती है, तो इंटरस्टिटियल सेल या लीडिंग सेल, लीडिंग सेल तो ये तो हो जाएगा एंड्रोजन, तो फर्स्ट का हो गया बी। मेल जर्म सेल और जर्म सेल से रिलेटेड फेमरी ओवुलेशन, और मेल जर्म सेल है तो ओवुलेशन को लेट कर नहीं सकते। ये देखो मियोसिस, मेल जर्म सेल में क्या होता है, मियोसिस, स्पर्म बनते हैं, तो सेकंड का हो जाएगा कौन सा, ई। फिर सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका तो डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ जो है उनको पोषण देती है ना, तो सर्टोली सेल के लिए नरिशमेंट हो गया कि शुक्राणुओं को पोषण देना, तो थर्ड का सी बैठ ही गया। इनफंडिबुलम तो फेलोपियन ट्यूब में है और फेलोपियन ट्यूब से यहाँ रिलेटेड यहाँ पर क्या है, फिम्ब्री, ये देखो फिम्ब्री, तो फोर जो है उसका ई हो गया। और ओवरी जो है वो क्या करती है, ओवुलेशन, तो फाइव जो है उसका बैठ गया डी। ठीक है, तो फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी तो तीन में है भाई, है ना, और सेकेंड का ए इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है ना, क्योंकि ये तो वैसे गड़बड़ हो गया, तो सेकंड और फोर्थ में और चेक कर लेते हैं। थर्ड का सी ये रहा, ये आंसर बैठ रहा है। फोर्थ का जो है वो ई, ये बैठ रहा है। थर्ड का सी, फोर्थ का ई और फिफ्थ का डी, आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, सेकंड। ठीक है, आओ सिंपल सा था। एक सौ अठारह नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर चैप्टर जो अपना है, ट्वेल्थ वाला, रिप्रोडक्टिव हेल्थ उससे संबंधित है, उससे रिलेटेड है। निरोध इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ, निरोध जो है वो किसका पॉपुलर ब्रांड है ना, और ये साफ साफ वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव है बैरियर वाले, उसके अंदर जो मेल कॉन्डोम है उसका एक पॉपुलर ब्रांड का नाम है, तो कॉन्डोम फॉर मेल जो आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है, कौन सा एसटीडी को रोक रहा है और कौन सा एसटीडी को भी और फर्टिलाइजेशन को भी, कॉन्डोम जो मेल फीमेल दोनों है वो एसटीडी को भी रोक रहे हैं और फर्टिलाइजेशन को भी, रीयूजेबल नहीं है और केमिकल मेथड के साथ इनको यूज नहीं कर सकते। सर्वाइकल केप, वॉल्ट केप, डायफ्राम रीयूजेबल है लेकिन एसटीडी को नहीं रोकते हैं, केवल फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं क्योंकि पूरी म्यूकोसा को कवर नहीं करते हैं और इनको केमिकल मेथड के साथ काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पूछा था उसका आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, फोर। क्वेश्चन नंबर 119, इनफर्टिलिटी केस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, कोई इनफर्टिलिटी उसमें या तो मेल पार्टनर जो फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है या फिर उसका जो सीमन है, इजेकुलेट जो है उसके अंदर स्पर्म काउंट कम है, तो इसके क्योर के लिए क्या किया जा सकता है, एनसीईआरटी की लाइन है, उसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, या तो वेजाइना में और या यूट्रस के अंदर, यूट्रस में तो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन हो जाएगा वरना वेजाइना वाला हो जाएगा, तो ए आई हो जाएगा सिंपल सा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 देखें, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेक्शन अगर हम लोग देखें इस तरीके से ना, तो उसमें क्या पूछा है, लेयर्स पूछी हैं, कहाँ से कहाँ, इनसाइड आउटसाइड, तो अंदर से बाहर, तो सबसे अंदर की तरफ तो है म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस और फिर सिरोसा, है ना, ऐसा ही ऑप्शन देखना, फ्रॉम
इनसाइड टू आउटसाइड हिंदी में क्या है, अंदर से बाहर, है ना। तो इनसाइड टू आउटसाइड यानी सबसे पहले म्यूकोसा लेंगे अंदर की तरफ, फिर सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस तो नहीं है, फिर मस्कुलरिस और फिर सिरोसा। तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा यहाँ पर, थर्ड। ठीक है, आओ वन ट्वेंटी वन, फाइंड आउट मोनोफायोडोंट टीथ। अब देखो कि ह्यूमन जो है उसके अंदर दो टाइप के टीथ है, मोनोफायोडोंट भी है और डाईफायोडोंट भी है। अगर मिल्की टीथ की अगर हम लोग बात करें छोटे बच्चों में, तो उनका डेंटल फॉर्मूला क्या है, 2102, 2102 इंटू टू, तो ये टोटल दांत हो गए 20, है ना। इंसीजर केनाइन, प्रीमोलर है नहीं, और ये मोलर, और मोलर भी कौन से, फर्स्ट और सेकंड। तो ये दांत बच्चों में आ गए हैं, ये झड़ते वापस भी आते हैं, यानी ये दांत जो हैं इंसीजर केनाइन प्रीमोलर, इंसीजर केनाइन और मोलर 20 टीथ, ये लाइफ में दो बार आ रहे हैं, एक बार बचपन में फिर दोबारा आते हैं। तो ये 20 टीथ तो डाईफायोडोंट है, और इस बच्चे में जो दांत नहीं है तो फर्स्ट टाइम आएंगे वो मोनोफायोडोंट होंगे, 12 दांत, और वो कौन है, प्री मोलर एंड थर्ड मोलर, ऐसा ऑप्शन देखना है, ये तो पूछ रहा है मोनोफायोडोंट। तो ऑल प्री मोलर एंड थर्ड मोलर, आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, सभी प्री मोलर और थर्ड मोलर, एक बार दंती है, ये एक ही बार आते हैं। ठीक है, चलो बाकी जो बच्चों में हैं दांत वो मिल्की टीथ में, वो डाईफायोडोंट, वो दो बार आते हैं। 122 देखो, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनीबी। हनीबी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन तो वो हैप्लोइडी डिप्लोइडी वाला है, जिसमें मेल जो है वो अनफर्टिलाइज एक से बनता है पार्थेनोजेनेसिस से, तो मेल तो हैप्लोइड है, और फीमेल फर्टिलाइज एक से बनती है, तो फीमेल डिप्लोइड है। तो हैप्लोइड मेल एंड डिप्लोइड फीमेल, आंसर अपना हो जाएगा। मेल फीमेल दोनों की प्लोइडी सेम नहीं होती है, फीमेल एप्लोइड नहीं होती है, और फीमेल का यूनिपेरेंटल ओरिजन नहीं है। यहाँ पर अगर मेल होता तब आंसर सही हो जाता, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग, तो आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पर फर्स्ट। चलो 123 देखें, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये मूवमेंट लोगों में समझ वाले चैप्टर में मसल जो है उससे रिलेटेड है। आपको पता कि जो मायोसिन वाला पार्ट है, मायोसिन, मायोसिन एक पॉलीमर है, और इस पॉलीमर का जो मोनोमर है उस मोनोमर को क्या बोलेंगे, मीरो मायोसिन। और मीरो मायोसिन के दो पार्ट हैं, एक तो LMM और एक HMM, लाइट मीरोमायोसिन। और लाइट मीरोमायोसिन के अंदर दो पेप्टाइड होते हैं जो टेल का फॉर्मेशन करते हैं, और हैवी मीरोमायोसिन जो है, मतलब इसमें तो क्या आ गई, ये टेल, और हैवी मीरोमायोसिन जो है उसके अंदर अगर बात करें तो उसके अंदर एक तो आ जाएगा हेड, एक आ जाएगी सोल्ट आर्म, सोल्ट आर्म इस तरीके से देखो, हेड और सोल्ट आर्म, ये तो हेड और ये सोल्ट आर्म। तो क्या पूछा है, करेक्ट देखना है ना। तो हैवी मीरोमायोसिन के अंदर टेल दे रखा है, तो टेल तो लाइट मीरोमायोसिन का है, तो गलत हो गया। लाइट मीरोमायोसिन में टेल दिया है लेकिन उसके साथ हेड दे दिया, ये गलत हो गया। हैवी मीरोमायोसिन में हेड आ गया और सोल्ट आर्म ये भी आ गई, है ना। तो ये अपना परफेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइट मीरोमायोसिन में हेड होता नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा, आप लोग देख लेना। ठीक है, एक सौ चौबीस नंबर क्वेश्चन देखें, क्या देखना है, डोमिनेंट ट्रेड देखना है मेंडल वाला। आपको याद है ना, वो अपनी टेबल दे रखी है, सात करेक्टर हैं, एक बार सारे में बता दें तो आपको, सीड कलर डोमिनेंट कौन सा है, येलो, रिसेसिव कौन सा है, ग्रीन, फ्लावर कलर डोमिनेंट कौन सा है, पर्पल, रिसेसिव वाइट, स्टेम हाइट टॉल डोमिनेंट ड्वार्फ रिसेसिव, पोड फुल फुलीवी डोमिनेंट कॉन्स्ट्रिक्टेड इन जो है वो रिसेसिव है, फ्लावर पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है ना, इस तरीके से सीड शेप राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड रिसेसिव है। ठीक है, तो ये सारे कुछ डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर थे, तो इसमें अपने को क्या पूछना है, ये केवल डोमिनेंट कौन से है ना, तो राउंड सीड डोमिनेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड रिसेसिव है, इसलिए गलत हो गया। एक्सियल फ्लावर पोजिशन डोमिनेंट है, ये रिसेसिव होगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ग्रीन पोड कलर, अब देखो कलर के लिए
कलर के लिए तीन करेक्टर हैं। तीन करेक्टर कौन से हैं? एक तो है फ्लावर कलर, और एक कौन सा है सीड कलर के लिए, और एक कौन सा है पोड के लिए। और अगर डोमिनेंट और रिसेसिव हम लोग देखें तो फ्लावर के लिए जो पर्पल है या वॉयलेट वो डोमिनेंट है, और वाइट जो है वो क्या है रिसेसिव, और सीड कलर में जो डोमिनेंट है वो कौन सा हो जाएगा येलो, और जो रिसेसिव है वो कौन सा हो जाएगा ग्रीन। अब इसी का उल्टा कर देना पॉड के अंदर, पॉड में डोमिनेंट जो है वो ग्रीन हो जाएगा और पॉड में येलो जो है वो क्या हो जाएगा रिसेसिव। तो तुम लोगों को ये कलर वाला ध्यान से याद रखना है ना। तो ग्रीन पॉड कलर तो डोमिनेंट है, ठीक है। इनफ्लेटेड पॉड शेप मतलब फुली भी, ये भी डोमिनेंट है, और एक्सियल फ्लावर पोजिशन ये भी डोमिनेंट है। तो ये तो आंसर बैठ गया अपना, यही पूछा जा रहा था। और चेक कर लेते हैं येलो सीड कलर, येलो सीड तो डोमिनेंट है, वॉयलेट फ्लावर भी डोमिनेंट है पर्पल या वॉयलेट, लेकिन येलो पॉड कलर देखना, येलो पॉड कलर, पॉड में तो ग्रीन डोमिनेंट है येलो रिसेसिव है ना, तो ये गड़बड़ हो गया। फिर देखना एक्सियल फ्लावर पोजिशन डोमिनेंट है, ग्रीन पॉड कलर डोमिनेंट हो गया, लेकिन ग्रीन सीड देखो, ग्रीन सीड तो रिसेसिव है ना, तो ये ऑप्शन भी अपना नहीं बैठा। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। तो एनसीईआरटी की टेबल जो है उसमें ये दिया हुआ है, आपको याद करना पड़ेगा। और कलर के लिए एक साथ याद कर लेना कि कलर में तीन है, जिसमें सीड कलर में जो डोमिनेंट है वो पॉड में रिसेसिव हो गया, और सीड कलर में जो रिसेसिव है वो पॉड कलर के अंदर डोमिनेंट हो गया, ऐसे याद रखना। नंबर क्वेश्चन देखें, क्या पूछ रहा है? करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इवेंट ऑफ यूनिवर्स। ओके, इवोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर यूनिवर्स के ओरिजिन के लिए ना, बिग बैंग की जो थ्योरी थी उसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले एक बड़ा धमाका होता है, उसके बाद यूनिवर्स वॉल्यूम में फैलता है, उसके बाद टेम्परेचर डाउन आता है, और एंड में हाइड्रोजन हीलियम का फॉर्मेशन होता है, है ना। तो ये एनसीईआरटी में दिया है। तो सबसे पहले देखना ह्यूज एक्सप्लोजन, सबसे बड़ा धमाका, उसके बाद यूनिवर्स का वॉल्यूम के अंदर फैलना, उसके बाद टेम्परेचर का डाउन आना, और लास्ट में हाइड्रोजन हीलियम का फॉर्मेशन। पहला ही ऑप्शन अपना परफेक्ट है, बाकी को देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आपको ये याद रखना है, ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इवेंट है। अगर अच्छा ये पूछ ले कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट यूनिक इवेंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, तब आंसर देना है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो यूनिवर्स के हिस्ट्री जो है उसका सबसे यूनिक इवेंट है। एनसीईआरटी में एवोल्यूशन में पहले ही पन्ने पर नीचे ये दे रखा है, ठीक है। ये दूसरे पन्ने पे है इवेंट वाला, मतलब ऑर्डर वाला, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन देखें, ये भी इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और डार्विन जो थ्योरी है उस वाला पार्ट, उस पार्ट में द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर अल्टीमेटली एंड ओनली टू डार्विन फिटनेस जो वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, कि डार्विन के अनुसार फिटनेस पूर्ण रूपेण रूप से एवं केवल कौन सी है प्रजनन वाली। तो यहाँ पर देखना रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर तो नहीं है, ये दे रखा है। एक तो ये रहा मोर प्रोजेनी, भी अपन इसे लेट कर सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन तो नहीं लेंगे, तो यानी इसको नहीं लेंगे और इसको नहीं लेंगे, इन दो ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा रिप्रोडक्टिव फिटनेस, दोज हु आर बेटर फिट इन एन एनवायरमेंट हैव मोर प्रोजेनी, जो अपने एनवायरमेंट में ज़्यादा फिट होंगे उनकी प्रोजेनी क्या होंगी ज्यादा देन अदर दूसरों से, क्योंकि उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा है ना, तो इसका मतलब मोर प्रोजेनी आ जाएगा। और देखो इसके अंदर याद आगे दे दिया, तो ये मेरे को आंसर सेकंड बैठेगा। तो देखें कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस यहाँ पे आ गया, और उन लोगों की एनवायरमेंट के अंदर फिट होने के बाद में प्रोजेनी का नंबर क्या होगा ज्यादा होगा, और ऐसे लोग जो हैं इसीलिए सेलेक्ट हो जाते हैं किसके द्वारा नेचर से, तो नेचुरल उनका सिलेक्शन हो गया। तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा सेकंड। डार्विन के अनुसार फिटनेस पूर्ण रूपेण रूप से केवल कौन सी है प्रजनन योग्यता है,
से संबंधित है। वे प्राणी जो एक वातावरण में अच्छी तरह से अनुकूलित होते हैं वो अधिकतम संतान पैदा करते हैं और अन्य की अपेक्षा, और ये प्राणी इसी कारण इनका क्या हो जाता है, प्राकृतिक चयन। तो सेकंड आंसर अपना परफेक्ट बैठेगा, एनसीईआरटी में दे रखा, आप लोग देखना डार्विनिज्म के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन देखें 127। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है क्या, एडोलेसेंस के लिए चैप्टर नंबर 8 ट्वेल्थ वाला है ना, उसमें एडोलेसेंस के लिए लिखा है कि ये एक प्रोसेस भी है और ये एक फेज भी है, एक पीरियड भी है। इस दौरान कई बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। ये 12 से 18 ईयर की एज के बीच का है ना, और ये एक ब्रिज है चाइल्डहुड और अडल्टहुड को जो जोड़ता है ना। ये कुछ स्टेटमेंट वहाँ पर दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो अपने को इसमें इनकरेक्ट देखना है ना। एडोलेसेंस मीन्स ओनली ए पीरियड, नहीं केवल पीरियड ही नहीं है, ये एक प्रोसेस भी है, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में है ना। तो ये ओनली ए पीरियड की वजह से ये वाला तो रॉन्ग हो गया। तो ये एक पीरियड भी है और एक प्रोसेस भी है, जिसके दौरान क्या होता है, एक बच्चा जो मैच्योर होता है किस टर्म में, अपने एटीट्यूड अपने बिलीफ के रेस्पेक्ट में। तो ओनली पीरियड की वजह से रॉन्ग हो गया, एनसीईआरटी में चेक कर लेना। बाकी 12 से 18 के बीच में एज का है, ये एक ब्रिज है ये, और इस दौरान कई बॉडी के अंदर चेंजेज आते हैं, ये तो अपन ने अभी डिस्कस किया ही था ना। तो रॉन्ग पूछा था और रॉन्ग कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब बताऊं ना तो एक बार एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर खोल के चेक कर लिया करो तुम लोग। 128 नंबर क्वेश्चन है, ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर मसल जो है वो डीजनरेट होने लगती है और लास्ट में पैरालिसिस हो जाता है। तो ये तो मूवमेंट लोकोमोशन के अंदर एंड में डिसऑर्डर में दिए, मस्थेनिया ग्रेविस AID है ना, मस्थेनिया ग्रेविस हियरा, इसके अंदर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन जो है उसके अंदर जो सार्कोलेमा के ऊपर ACH रिसेप्टर है, ACH रिसेप्टर उसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडी बन जाता है और ये रिसेप्टर खत्म हो जाता है। इससे जो एंटीएम ACH रिलीज हुआ है वो अपने रिसेप्टर पे जुड़ नहीं पाएगा, ऐसे मसल डिपोलराइज नहीं होगी और उसमें कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा और धीरे धीरे उसके अंदर क्या हो जाएगा, पैरालिसिस, उसी को बोलते हैं मस्थेनिया ग्रेविस। ये तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है लेकिन इसमें पैनक्रियाज की बीटा सेल खत्म हो जाती है। तो अपना आंसर ये वाला नहीं है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी ऑटोइम्यून डिजीज है, इसमें ब्रेन के अंदर एक्सोन के ऊपर जो माइलिन सीथ है उस पर एंटीबॉडी अटैक कर देते हैं लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है। एडिसन डिजीज भी ऑटोइम्यून डिजीज है, उसमें एड्रेनल जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उसके अगेंस्ट इम्यून रिएक्शन होती है। ये चारों ही AID है, नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन सी AID है ऐसा, तो आपको ये कुछ AID है जो याद रखनी है। फिलहाल ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसमें जो AID बैठ रही है वो कौन सी है, मस्थेनिया ग्रेविस। चले आगे आओ, वन 129 नंबर क्वेश्चन देखें, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ट्वेल्थ वाली NCERT में चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बैक्टीरियल वायरल फंगल मैचिंग वाला क्वेश्चन है ना। तो देख लेते हैं, एलिफेंटियसिस हाथी पांव रोग है और कोजिंग एजेंट कौन है, देख लो वुकेरिया, तो ऐसा पूछ क्या है, पहले देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ डिजीज विद कोजिंग ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन, इसमें करेक्टली मेज्ड जो ऑप्शन है वो देखना है कि डिजीज उसके कोजिंग ऑर्गेनिज्म और मोड ऑफ इन्फेक्शन से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एलिफेंटियसिस के लिए कोजिंग एजेंट तो ठीक है, और ये क्यूलेक्स जो है इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स उसके काटने से बॉडी के अंदर एंट्री करता है, ये फिकोरल रूट नहीं है, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन तो अपना यहाँ पे रॉन्ग हो गया। टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफ ही सही है, बैक्टीरिया है और इन विद एयर, नहीं एयरबोर्न थोड़ी है, ये तो फिकोरल रूट वाला है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है, दूषित भोजन और जल से होता है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कोजिंग एजेंट ठीक है लेकिन किसके काटने से होता है, ये इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज के काटने से होता है ना, तो देख लेते हैं, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मेल थोड़ी है, मेल की जगह यहाँ पर क्या आएगा, फीमेल, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। संक्रमित नर की जगह संक्रमित मादा, तब ये सही होता लेकिन ये अभी रॉन्ग हो गया। न्यूमोनिया बैक्टीरियल रोग है, एयरबोर्न है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या दूसरा कौन सा दिया NCERT में, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ना, उनसे होता है। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बिल्कुल सही है, मतलब एयर हवा बूंद संक्रमण हवा से होने वाला रोग है, तो इसमें करेक्टली इमेज ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, फोर्थ। ठीक है,
ये लो, क्वेश्चन नंबर 103, बताओ कौन से चैप्टर से है? 12th चैप्टर नंबर। अब फुल सिलेबस टेस्ट में पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है। अब तो नीट का एग्जाम भी नज़दीक है, तो ये तभी कर पाओगे जो बढ़िया रिवाइज आपने कर रखा है। ये अपने 12th में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है ना, ग्राफ्ट रिजेक्शन वाला। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो देखें कि द रिजेक्शन ऑफ फॉरेन ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज कॉज्ड बाई CMI सेल मीडिएट इम्यूनिटी है ना, एंड कैन बी प्रिवेंटेड बाई यूजिंग ए फंगल मेटाबोलाइट। एक फंगल मेटाबोलाइट है, ये फंगल मेटाबोलाइट का जो डेटा है ये 12th वाली NCERT में चैप्टर नंबर 10 जो है ना माइक्रोब वाला उसके अंदर दे रखा, आप लोगों को याद होगा। और वो क्या है? साइक्लोस्पोरिन है ना। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? 3rd। ठीक है, फंगस का नाम भी दिया है। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कैन बी ओवरकम। लगातार जब सेल्फिंग या मैं कहूँ कि एनिमल में इन ब्रीडिंग करते हैं तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, क्योंकि वेरिएशन कम आ जाती है, एक जैसे जीन इकट्ठे हो जाते हैं, तो वेरिएशन के कम होने से फिटनेस कम हो जाती है। तो उस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए एक ही ब्रिड में 4 से 6 जनरेशन के बाद जो उनका रिलेटिव है उनमें क्रॉस करा दिया जाता है, और ये सिंगल आउट क्रॉस अगर करा दिया जाए तो उससे वो जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आया उसको ओवरकम किया जा सकता है ना, तो थ्रू ए सिंगल आउट क्रॉस अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ। 131 सिलेक्शन एंथ्रोपोजेनिक रोल, और ये अपना जो इवोल्यूशन है उसमें भी दिया है आर्टिफिशियल सिलेक्शन एज ए एविडेंस, कृत्रिम चयन एक प्रमाण के रूप में। तो मनुष्य ने कम समय में अपने प्रकृति के अंदर बिखरी हुई वेरिएशन को यूज करते हुए आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस से कई पालतू जानवर बनाए हैं, कई प्लांट की वेराइटीज बनाई हैं, है ना। तो देखें वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मैन ब्रिड सेलेक्टेड प्लांट एनिमल फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सपोर्ट सिक्योरिटी एंड ऑल दीज आर रिलेटेड विद, तो ये सब आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। कम टाइम में ह्यूमन ने उन वेरिएशन को यूज करते हुए आर्टिफिशियल सिलेक्शन से ऐसा किया है। चैप्टर नंबर 5 जो जेनेटिक्स वाला, उसमें पहले पन्ने पर नीचे नीचे लिखा ना एक लाइन कि 8000 से 1000 BC है ना ईसा वर्ष पूर्व मनुष्य ह्यूमन जो एंसेस्टर अपने थे उनको पता था, हमारे पूर्वजों को, कि वेरिएशन का कोई एक वेरिएशन का जो भी कारण है कॉज है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ था, लिखा हुआ वहाँ पर देखना। और इसीलिए उन्होंने अपने सराउंडिंग में जो वेरिएशन बिखरी हुई थी प्लांट में एनिमल में उनको आइडेंटिफाई किया कि इनका कारण तो इन वेरिएशन का कारण तो रिप्रोडक्शन ही है, तो अच्छे अच्छे ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करके उनमें ब्रीडिंग करा दी। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन और डोमेस्टिकेशन से उन्होंने पालतू जानवर बनाए जंगली जानवरों से, साहीवाल का वहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है। फिर इवोल्यूशन के अंदर आर्टिफिशियल सिलेक्शन आ रखा है, और फिर चैप्टर नंबर 9 एनिमल हस्बेंड्री में भी ब्रीडिंग वाला जो पार्ट है वो क्या है पूरा, वो भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। तो ये अलग अलग तीनों चैप्टर में जो चीज़ें हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन तो नहीं लेंगे, फाउंडर इफेक्ट नहीं लेंगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम इज एविडेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा। अगर यहाँ पर ये होता आर्टिफिशियल सिलेक्शन तब ये भी बैठ जाता, तो आंसर अपना यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 2nd। 132 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा है? द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर ए मैक्सिमम एक्सपिरेटरी एफर्ट, 11वीं NCERT में रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, एक बार देख लो आप लोग इसको जल्दी से। कि ये देखो टाइडल वॉल्यूम, अंतःश्वसन किया छोड़ा, तो ये तो टीवी है, टीवी टाइडल वॉल्यूम 500 ml जो अंदर लिया है और 500 ml जो छोड़ दिया, देखना, तो ये टीवी है। और अगर नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद फोर्स, देखें नॉर्मल इंस्पिरेशन किया फोर्सफुली और किया, तो ये एडिशनल जो वॉल्यूम हम लोगों ने नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद और इनटेक किया ये क्या हो जाएगा आपका
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000। फिर देखना नॉर्मली एक्सहेल किया आपने, फोर्सफुली किया और उसके बाद वापस आ गए, यानी नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद फोर्सफुली, तो एडिशनल वॉल्यूम जो आप लोगों ने एक्सहेल किया वो क्या हो जाएगा, ERV। अब क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछ रहा है कि द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेटरी एफर्ट। देखना मैक्सिमम एक्सपिरेटरी एफर्ट लगाया आपने, फोर्सफुली एयर को बाहर एक्सहेल किया पहले, उसके बाद 500 ml और ये लिया, फोर्सफुली और ले लिया, यानी इस दौरान ये तीनों वैल्यू आ गई। तीनों वैल्यू कौन सी, IRV, TV और ERV। तो ये तो हो गई वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। NCERT ने दोनों डेफिनेशन दिए कि फोर्सफुली एक्सेल किया उसके बाद कितना अंदर ले सकते हो, 500 ml टीवी और 2500 से 3000 IRV, तो तीनों का टोटल क्या हो जाएगा, VC। या फोर्सफुली एक्सेल किया 500 ml टीवी और 2500 से 3000 IRV, तीनों वैल्यू आ गई और ये तीनों क्या है, VC। ठीक है, डटना नहीं है, इससे याद हो जाएगा आपको, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। वन 34 देखें, फीमेल में मेनोपॉज जब हो जाता है तो मेनोपॉज के बाद में आप लोग देखें कि जब भी मेनोपॉज होता है, ये भी नीट में आया हुआ है, तो मेनोपॉज के बाद आप लोग देखें कि जो ओवरी हैं वो वर्क नहीं करते हैं, और अगर ओवरी वर्क नहीं करेंगे तो किसका लेवल कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया तो इससे पॉजिटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, तो इससे कौन बढ़ जाएगा, GnRH, और अगर ये बढ़ेगा तो कौन बढ़ जाएगा, FSH एंड LH। तो मेनोपॉज के बाद क्या चेंज आते हैं, मेनोपॉज के बाद फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो कम हो जाता है और फीमेल के अंदर GnRH बढ़ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेंगे, लेकिन जब ये बढ़ेगा और ओवरी पे वर्क आके वर्क करेगा तो ओवरी तो फंक्शनल है ही नहीं ना, तो भले ही ये बढ़े हुए हों ओवरी वर्क करेगा ही नहीं, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं बनेगा, तो ये और पॉजिटिव फीडबैक देगा, तो ये और बढ़ जाएंगे। तो एक मेनोपॉज के बाद जो फीमेल है उनमें इन हार्मोन का लेवल तो ज़्यादा है और इनका कम है, और अगर एस्ट्रोजन कम है तो एस्ट्रोजन के कम होने की वजह से जो बोन है उसमें कैल्शियम के डिपोजिशन पर भी असर पड़ता है और ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है ना। तो एक तो ये फीचर याद रखने, और क्या होने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस, कब, जब एस्ट्रोजन का लेवल जो वो डिक्रीज हो जाता है, किसमें, ह्यूमन फीमेल में, और ऐसा कब होता है, मेनोपॉज के दौरान। ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। वन 35 नंबर क्वेश्चन है, इवोल्यूशन इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म है ना, आपको पता है ये इंग्लैंड में 1850 के पास में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो लाइट कलर वाले मोज ज़्यादा थे, डार्क वाले कम थे, डार्क वाले, और जब पॉल्यूशन कम था तो लाइकेन ज़्यादा था, और लाइकेन ज़्यादा था तो लाइट कलर वाले जो मोज थे वो मिमिक्री कर रहे थे, कैमोफ्लेज नज़र नहीं आ रहे थे बर्ड्स को, और डार्क वाले नज़र आ रहे थे तो उनकी फिटनेस कम थी, लाइट वालों की ज़्यादा थी। 1920 इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन बढ़ा, लाइकेन कम हुआ, वाइट वाले नज़र आने लग गए, क्यों, क्योंकि हैबिटेट जो था वो डार्क कलर का हो गया, लाइट वाले नज़र आने लग गए तो उनको कैप्चर किया, उनकी फिटनेस कम हुई, डार्क वाले नज़र नहीं आए, मिमिक्री की, उनके नंबर बढ़ गए, फिर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया, डार्क वाले पॉल्यूशन को कंट्रोल किया तो लाइकेन फिर बढ़ी, हैबिटेट लाइट कलर का हो गया, लाइट कलर वाले लाइकेन नज़र नहीं आए तो उनकी संख्या बढ़ गई, और डार्क वाले नज़र आए उनके नंबर कम हो गया, लेकिन कभी भी कोई एक वेरियंट कम्प्लीटली वाइप आउट नहीं हुआ। और ये किसका एग्जांपल है, ये डायरेक्शनल सिलेक्शन का एग्जांपल है, तो आप लोग देख लेते हैं, ये एक एविडेंस है नेचुरल सिलेक्शन का, और नेचुरल सिलेक्शन में भी कैसा है, ये डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो ऑड वन देखना है, तो द मोथ दैट वर एबल टू कैमोफ्लेज, मतलब अपने आप को हाइड कर रहे हैं बैकग्राउंड में, वो सर्वाइव मोर, वो ज्यादा सर्वाइव करते हैं क्योंकि उनकी फिटनेस अच्छी है। ये तो सही है कि जो सलभ अपने पृष्ठभूमि में छद्मावरण करते हैं ज्यादा जीवित रहे क्योंकि वो पक्षियों को नजर नहीं है।
और फिर क्या, ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में पोल्यूशन कम था, तो पोल्यूशन कम था तो वहाँ पर लाइकेन ज़्यादा थी, लाइकेन ज़्यादा थी तो लाइट कलर के मौत ज़्यादा थे, और मिलेनिन वाले डार्क कलर वाले मौत जो थे वो कम थे। तो इन रूरल एरिया द काउंट ऑफ मिलेनिक मौत वाज लो, ये भी सही है कि ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर पोल्यूशन कम था वहाँ पर लाइकेन ज़्यादा थी, और लाइकेन ज़्यादा थी तो लाइट कलर वाले ज़्यादा फिट थे, और एश्वेत जो थे वो कम फिट थे क्योंकि उनको पक्षी खा रहे थे इसलिए उनके नंबर कम था, तो ये भी सही है। फिर क्या लिखा है, इन ए मिक्स पॉपुलेशन, लाइट डार्क दोनों हैं उसके अंदर, दोज दैट कैन बेटर अडेप्ट सर्वाइव एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये भी सही है कि कोई एक ज़्यादा बढ़ रहा है, तभी तो डायरेक्शनल सिलेक्शन है कि एक बार में या तो लाइट वाले ज़्यादा हैं या डार्क वाले ज़्यादा हैं। फिर क्या है, रिमेंबर दैट वन ऑफ वेरियंट इज कम्प्लीटली वाइप आउट, नहीं, कोई एक वेरियंट कम्प्लीटली वाइप आउट नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो पॉल्यूशन जब हुआ तब डार्क वाले कैसे आ जाते, अगर ऐसा होता और पॉल्यूशन को कंट्रोल कर लिया तब लाइट कलर वाले वापस कैसे आ गए, तो वाई कम्प्लीटली वाइप आउट नहीं होते। ये स्टेटमेंट कब सही हो जाता कि रिमेंबर दैट वन ऑफ द वेरिएंट इज नॉट कम्प्लीटली वाइप आउट, कम्प्लीटली वो खत्म नहीं होता, ये सही होता है ना। तो ये वाला यहाँ पर रोंग हो गया, रोंग ही पूछा है, ओड वन, तो चौथा यहाँ पर ओड वन हो गया। ओके, तो ये सेक्शन ए से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब सेक्शन बी के 15 क्वेश्चन और हैं, वो और देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 136 है। सभी क्वेश्चन को आपको स्पीड से पढ़ लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को, और फिर उन उन क्वेश्चन को मार्क कर लो जिनमें डाउट रहते हैं, जो आपको लगता है कि नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ सकते हो आप लोग। ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम 5 आप लोग छोड़ सकते हो, है ना। तो एक बार स्पीड से इन क्वेश्चन को पढ़ लेना चाहिए, जिनमें कॉन्फिडेंस होता है उनके लिए जाओ आप लोग। तो जैसे यहाँ पर नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि मदर से मिल्क से IgA बच्चे में जाता है, लेकिन वो एंटीबॉडी परमानेंटली लंबे टाइम तक वो इम्यूनिटी बच्चे में मेंटेन नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो एंटीबॉडी गया तो वो तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, उसमें जो बच्चा है उसके इम्यून सिस्टम ने तो वर्क नहीं किया ना, और उन एंटीबॉडी की एक फिक्स लाइफ स्पेन है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, तो परमानेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी टाइप की मेमोरी सेल भी जनरेट नहीं होती है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं होती है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है कि द कोलेस्ट्रम इज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड एंड इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर न्यूबॉर्न, बट द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड टू द न्यूबॉर्न थ्रू कोलेस्ट्रम इज नॉट परमानेंट, बच्चे को उस मिल्क से जो इम्यूनिटी मिली वो परमानेंट नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि द विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन, कि बच्चे में ऐसा जो हो रहा है कि वो इम्यूनिटी उसमें स्थायी रूप से नहीं है, तो उसके लिए कौन सा सही है। तो देखें, द अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी इन कोलेस्ट्रम इज लिमिटेड, ऐसा नहीं होता है, इससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट नहीं है। द मोस्ट ऑफ एंटीबॉडी गेट डाइजेस्टेड इन द गट, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बच्चा जो है उसकी गट कुछ अलग टाइप की है, उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है और ऐसे एंटीबॉडी एब्जॉर्व हो जाते हैं तो उसको इम्यूनिटी दे देते हैं। फिर ये देखो, ऑब्टेनिंग पैसिव इम्यूनिटी डज नॉट इन्वॉल्व इम्यूनोलॉजिकल लर्निंग, हैंस नो मेमोरी जनरेटेड। अगर बॉडी में एंटीजन जाए तो इम्यून सिस्टम को वर्क करता है, मेमोरी जनरेट होती है और फिर वो परमानेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो एंटीबॉडी गया है इसलिए वो परमानेंट नहीं है ना। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त करने में प्रतिरक्षात्मक विद्वता शामिल नहीं है, मतलब मेमोरी सेल जनरेट नहीं होती है, इसीलिए ये परमानेंट नहीं है। तो आंसर हो जाएगा अपना थर्ड। फोर्थ क्या कह रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज डन ओनली फॉर ए लिमिटेड टाइम तक, ब्रेस्ट फीडिंग करना इसका कोई प्रॉपर कोज नहीं है, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल वाला है। अगर एंटीजन जाता तो मेमोरी सेल एक्ट बनती और इम्यूनिटी फिर लाइफ टाइम तक मेंटेन रहती है ना, इसलिए आंसर कौन सा है, थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसके लिए एक तो NCERT में पार्चुरेशन जो है उसमें लास्ट के अंदर लैक्टेशन दी है, वहाँ पर भी मदर मिल्क में एंटीबॉडी की बात हुई है। फिर हेल्थ एंड डिजीज वाला जो चैप्टर नंबर 8 है उसके अंदर एक्टिव पैसिव इम्यूनाइजेशन है, देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप है एक्टिव पैसिव, उसके अंदर भी इसका डिस्कशन है ना, और जो मेमोरी सेल है उससे रिलेट करके ये क्वेश्चन बनाया है। अच्छा क्वेश्चन है, तो ऐसा मत कहना आउट ऑफ NCERT, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो याद रखना है इसको। परमानेंट इम्यूनिटी जो है वो एक्टिव वाली है, पैसिव वाली इम्यूनिटी परमानेंट नहीं है, जिसमें आपके बॉडी में एंटीजन आई है नेचुरली या आर्टिफिशियली वो परमानेंट है,
उसमें मेमोरी सेल बनेगी, लेकिन अगर आपकी बॉडी में नेचुरली आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज आ रहे हैं तो वो परमानेंट नहीं है, वो लिमिटेड टाइम तक रहती है। वन थर्टी सेवन एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है ना, अलग अलग वायरल बैक्टीरियल प्रोटोजोअन होती है ना, इसमें अर्ली टाइम में स्वेलिंग इचिंग फ्लू डिस्चार्ज है ना पेन ये सब होता है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा फैल जाए तो कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, और वो कॉम्प्लिकेशन क्या है यही पूछ रहा है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, पेल्विक एरिया के अंदर शोथ हो जाता है, अबॉर्शन हो सकता है, गर्भपात हो सकता है, मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, इवन कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक का लिखा हुआ एनसीईआरटी में, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अर्ली सिम्टम पूछता तब आंसर अलग होता, तब पेन स्वेलिंग फ्लू डिस्चार्ज है ना वो सब आ जाता, लेकिन ये लेट कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा था इसलिए सारे सही है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैचिंग वाला है, जेनेटिक से रिलेटेड है, फिनाइल केटोन यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, और इससे रिलेटेड क्या हो रहा है, देखो इसमें देखो कि इसमें फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलोज नहीं हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनता, इसलिए फिनाइल एलेनिन टायरोक्सिन में चेंज नहीं हो रहा है, तो टायरोक्सिन की कमी हो रही है, इससे मेलानिन पिगमेंट कम बन पाएगा, और फिनाइल एलेनिन के इकट्ठा होने से मेंटल रिटार्डेशन केटोन बॉडीज वगैरह बन जाती है ना, तो पी के यू जो है उससे मैच हो रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन, और इससे मेंटल रिटार्डेशन होता है क्योंकि इसमें फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज नहीं हो रहा है। अल्फा थैलेसीमिया जो है वो क्रोमोसोम नंबर 16 पे टू पेयर ऑफ जो जीन है वो कंट्रोल करते हैं एच बी ए वन और एच बी ए टू है ना, और उनमें म्यूटेशन या डिलेशन की वजह से अल्फा चेंज उसका नंबर कम हो जाता है, तो अल्फा थैलेसीमिया के लिए आप लोग देखें कि ये चेक करते हैं ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द फोर जीन एच बी ए वन एच बी ए टू, तो हर एक जीन के कितने एलील है दो, तो कितने हो गए चार है ना, तो इसका मैच जो कौन सा बैठ है वन, तो ए का तो हो गया टू और बी का हो गया फर्स्ट। ठीक है, बीटा थैलेसीमिया ये तो क्रोमोसोम नंबर 16 हो गया अल्फा वाला, और बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन अफेक्टेड होती है ये देखो, और बीटा चेन को बनाने वाला एक जीन होता है यानी दो एलील, और वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, फिर मतलब इसका हो गया 4। फिर कलर ब्लाइंडनेस, ये तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है ना, और ये ज़्यादा किस में होती है मेल में क्योंकि मेल में एक ही एक्स है, और कम किस में होती है फीमेल में क्योंकि फीमेल में दो एक्स है, इसलिए कैरियर कौन होते हैं फीमेल, तो ये देखो अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल एंड 0.4% ऑफ फीमेल है ना, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसका हो जाएगा 3rd। ओके, तो ए का 2 कहाँ आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और तो नहीं आ रहा है, ए का 2 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी आंसर अपना 3rd ही हो गया, और भी चेक कर ले, बी का 1 ये रहा, सी का 4 ये रहा, और डी का 3rd ये रहा, आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, आओ पेडिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको पता कि ये ALR, ALD, XLR, XLD टाइप की होती है, क्या पूछ रहा है कि गिवन बिलो इज ए पेडिग्री चार्ट शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ ए सर्टेन सेक्स लिंक ट्रेट इन ह्यूमन, ये अगले क्वेश्चन में दे ही दिया है कि ये एक्स लिंक्ड ट्रेट है, सेक्स लिंक्ड में एक्स लिंक्ड भी हो सकता है और वाई लिंक्ड भी हो सकता है, अब एक्स लिंक्ड में रिसेसिव भी हो सकता है और डोमिनेंट भी हो सकता है ना, वाई लिंक तो होलेंड्रिक होता है, वो मेल टू मेल ही होता है, इसका मतलब मेल टू मेल देखना फादर में है लेकिन सन में नहीं है, क्योंकि होलेंड्रिक वाई लिंक्ड जो होता है उसमें फादर अफेक्टेड है तो सारे लड़कों में डिजीज होगी, लेकिन यहाँ पर तो फादर है लेकिन लड़की तो नॉर्मल है, यानी वाई लिंक्ड को तो आप लोग हटा दो, वाई लिंक तो होगा ही नहीं, अब अपने पास दो ही ऑप्शन बचे एक्स वाले, या तो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव। रिसेसिव की एक शर्त है कि रिसेसिव में अगर लड़की अफेक्टेड है तो फादर भी अफेक्टेड होगा, क्योंकि इसमें दोनों एक्स के ऊपर स्मॉल आर स्मॉल आई यानी रिसेसिव एलील होंगे, तो और मेल में फादर में तो एक ही एक्स है तो फादर भी अफेक्टेड होनी चाहिए, तो देखना ये देखो
कि फादर नॉर्मल है और डॉटर अफेक्टेड है. डॉटर अफेक्टेड कब होगी? जब दोनों एक्स पे स्मोलार स्मोलार हो. एक एक्स तो चलो मदर से आ गया, मदर भी डिजीज है, स्मोलार स्मोलार. एक एक्स तो चलो मदर से आ गया, लेकिन दूसरा एक्स तो फादर से आएगा ना, लेकिन फादर तो नॉर्मल है. इसका मतलब है ये एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है. ये देखो एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है, तो क्या बच गया? एक्स लिंक डोमिनेंट. ये एक्स लिंक डोमिनेंट है, और एक्स लिंक डोमिनेंट में डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में डिजीज हो रही है, और रिसेसिव जीन की अब्सेंस में डिजीज हो रही है. यानी रिसेसिव जीन में डोमिनेंट म्यूटेशन के कारण है. इसका मतलब है कि कब डिजीज होगी? देखना, फीमेल में इस कंडीशन में डिजीज हो जाएगी डोमिनेंट के कारण. एक भी डोमिनेंट होगा तब भी डिजीज हो जाएगी. लड़की कब डिजीज से बचेगी? जब दोनों ही एक्स पे स्मॉल एलील हो. मेल में डिजीज, ये देखो इस दौरान मेल में डिजीज हो जाएगी, और इस दौरान मेल जो है वो नॉर्मल रहेगा, है ना. तो एक्स लिंक डोमिनेंट का मैं जीनोटाइप बना के आपको समझा देता हूँ. एक बार इसको रब कर दो पूरा. तो इसमें एक्स लिंक डोमिनेंट ही है, लेकिन क्यों है वो जीनोटाइप लिख के बता देता हूँ. ये लो, फीमेल में डिजीज है, एक्स एक्स कैपिटल डी लिखा है मैंने यहाँ पे, ये स्मॉल डी लिखा है मैंने. क्यों? क्योंकि ये देखो लड़का नॉर्मल है, तो फादर में डिजीज है, यानी एक्स वाई कैपिटल डी. फादर से इस लड़के में क्या आया? वाई. लेकिन मदर से इस लड़के में क्या आया? कौन सा एक्स आया? स्मॉल डी वाला. तभी तो लड़का नॉर्मल हो गया. फिर देखना ये लड़का फिर नॉर्मल है, फादर से वाई और मदर से क्या आया? स्मॉल डी. ये लड़की डिजीज्ड है, तो फादर से भी कैपिटल डी, एक्स एक्स कैपिटल डी भी हो सकता है, कैपिटल डी स्मॉल डी भी हो सकता है, मदर से स्मॉल डी भी तो आ सकता है. लेकिन एक भी अगर डी होगा कैपिटल तो डिजीज होगी. फिर ये लड़का नॉर्मल है, मदर से स्मॉल डी आया, फादर से वाई आया. ये लड़का भी नॉर्मल है, फादर से वाई आया, मदर से स्मॉल डी आया. मदर हेट्रोजाइगस है, मदर हेट्रोजाइगस है. इसमें जो है लड़के में भी डिजीज हो सकती है ना. आप लोग देखें लड़के में डिजीज हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जैसे सारे नॉर्मल दे रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पॉसिबिलिटी नहीं है. डिजीज सन की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जीनोटाइप के अकॉर्डिंग ये बैठ रहा है. फिर आप लोग देखें यहाँ पे ये लड़का नॉर्मल है, यानी फादर से वाई आया और मदर से एक्स पे स्मॉल डी आया होगा. यानी ये जो फीमेल है वो भी हेट्रोजाइगस है एक तरीके से, कैपिटल डी स्मॉल डी. लेकिन एक कैपिटल डी की वजह से इसमें भी क्या हो गई? डिजीज. अब आप लोग देखें कि इस लड़के में डिजीज है, तो देखो कि फादर से वाई आया और मदर से कौन सा एक्स आ गया? कैपिटल डी वाला. ये देखो डिजीज होगी. इस लड़के में डिजीज है, फादर से नॉर्मल एक्स वाला डी आया और मदर से कैपिटल आ गया, डिजीज होगी. इस लड़के में डिजीज नहीं है, है ना, यानी फादर से वाई आया और मदर से स्मॉल डी आया. फिर इस लड़के में डिजीज है तो मदर से कैपिटल डी आया. इस लड़के में डिजीज नहीं है, यानी फादर से वाई और मदर से स्मॉल डी आया. यानी जीनोटाइप के अकॉर्डिंग ये पूरा आपका बैठ रहा है, तो आंसर हो जाएगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट. वन 140 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखें. तो इस क्वेश्चन में देखें कि द जायगोट एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड है. द जायगोट डिवाइड टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि आगे क्या लिखा है? विच इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस. तो यूट्रस में तो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है, तो यहां पर तो आ जाएगा ब्लास्टोसिस्ट कोरक पुट्टी. युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाता है? ब्लास्टोसिस्ट, जिसका गर्भाशय में आरोपण हो जाता है. फिर द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फिटस एंड यूट्रस. फिटस और यूट्रस के बीच में जो वेस्कुलर कनेक्शन है वो अपरा प्रोवाइड करती है प्लेसेंटा. प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड भी हम लोग ले सकते हैं. इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल कॉल्ड. इनर सेल मास जो है ना एम्ब्रियो वाली, वो तो स्टेम सेल है, उससे पूरी बॉडी बन सकती है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टेम सेल्स. फिर बाय द एंड ऑफ, मतलब कौन से टाइम के एंड पर, है ना. मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, फॉर एग्जाम्पल लिम्स हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है. ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे ऐसा होता है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर आंसर हो जाएगा. फिर ये देखना, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द डिफ्रेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म एंड इनर
लेयर कॉल्ड एंडोडर्म. तो ये तो इनर सेल मास है, इनर सेल मास, इनर सेल मास. इम्प्लांटेशन के बाद इनर सेल मास जो है वो बाइलेमिनर डिस्क बनाती है और एक्टोर एंडो बनता है. लास्ट के अंदर तीसरी लेयर मेसोडर्म बनती है. चलो मैच कर लेते हैं. तो फर्स्ट में मोरूला दे रखा है, मोरूला का तो इम्प्लांटेशन नहीं होता है. फर्स्ट में ब्लास्टोसिस्ट दिया है, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, मतलब दो तीन चार में से आंसर हो सकता है, फिर भी और चेक कर लेते हैं. सेकेंड में प्लेसेंटा, सेकेंड में प्लेसेंटा, सेकेंड में प्लेसेंटा, मतलब तीनों ही आंसर हो सकते हैं, इसमें प्लेसेंटा भी आ रहा है. तीसरा स्टेम सेल, इसमें भी स्टेम सेल है, इसमें भी स्टेम सेल है, इसमें भी स्टेम सेल है, अब अभी तो लग रहा है तीनों में ही है. चौथा और देख लेते हैं, डी वाला. कौन सा ट्राइमेस्टर देखना है चौथे के अकॉर्डिंग? फर्स्ट ट्राइमेस्टर. इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर दे रखा है, इसमें सेकंड दे दिया, ये बाहर कर दो, और इसमें भी फर्स्ट दे रखा है, यानी दूसरे चौथे में हो सकता है. चलो ई और चेक कर लेते हैं. ई में क्या लिया अपने? इनर सेल मास. तो इनर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट तो यार प्लेसेंटा वाला पार्ट बनाती है, और यहाँ पर क्या लिखा है? आउटर लेयर कार्ड एक्टोडर्म और इनर लेयर कार्ड एंडोडर्म. तो ट्रोफोब्लास्ट तो कोरियोन बना रही है, वो तो एक्टोडर्म ही है, प्लेसेंटा का पार्ट है. तो इसका मतलब है कि अपन ट्रोफोब्लास्ट की वजह से इसको बाहर कर देंगे. अब अपने पास चौथा बचा है, इसमें क्या लिखा है? इनर सेल मास. आंसर हो जाएगा अपना फोर्थ. एनसीईआरटी में दे रखा है, आप लोग चेक कर लेना. ठीक है, आओ. विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट सेंटेंस या स्टेटमेंट देखना है, और ये तो जूलॉजी एप्लीकेशन में जो ड्रग्स वाला पार्ट है वहाँ से लिया हुआ क्वेश्चन है. द निकोटीन स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लैंड एंड इट कॉज द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन और एड्रेनलिन. ठीक है, वो वहाँ से रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर, और इससे ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ जाती है. सही लिखा है, सही स्टेटमेंट है. स्मोकिंग जो है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज और गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करती है, ये भी वहाँ पर लिखा हुआ सही है. ओपिओइड जो रिसेप्टर है वो सीएनएस में भी है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में भी, ये भी वहाँ पर लिखा हुआ है. फिर क्या लिखा है? एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर टीयर्स. अच्छा, टीयर्स में लाइसोजाइम, वो तो इनेट का पार्ट है, फिजियोलॉजिकल बैरियर. और यहाँ पर क्या दिया? एक्वायर्ड डिफरेंस. एक्वायर्ड नहीं, इनेट. इनेट आता तब सही हो जाता, ये गलत हो गया. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फोर. चलो आगे बढ़ते हैं. मैचिंग वाला क्वेश्चन है और मूवमेंट एंड लोकोमोशन बोन वाला है. रिस्ट बोन है ना, आठ होती है, तो वो तो कार्पल्स है, तो ये हो गया एक का दो. थाई बोन ये वाला, फीमर. फीमर कहाँ है? फीमर कहाँ है? ये रही, फिर ये फीमर हो गई, तो बी का पांच. फिर एंकल एडी वाला, वो तो टार्सल है, तो ये हो गया फोर, तो सी का फोर. फिर पाल्म हथेली, कार्पल मेटाकार्पल, तो ये मेटाकार्पल वन. और डिजिट फेलेंजेज, फेलेंजेज का ही अरे, तो ई का थर्ड हो जाएगा. तो आंसर चेक कर लें, एक का दो ये रहा, ये रहा, बी का पाँच ये रहा, ये आंसर हो जाएगा बी का पाँच. सी का चार ये रहा, डी का वन ये रहा, ई का थर्ड ये रहा, आंसर हो जाएगा. कोऑर्डिनेशन के लिए है ना, मूवमेंट कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है. बॉडी के अंदर जब भी जरूरत होती है तो हर्ट, जब भी दौड़ रहे हैं तो हार्ट बीट बढ़ती है, ब्रीथिंग रेट बढ़ती है, क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है. आराम से बैठे हैं तो हार्ट बीट वापस बैक टू नॉर्मल, वापस सामान्य. ब्रीथिंग रेट वापस सामान्य है ना, क्योंकि नॉर्मली अब लोग आराम से बैठे हैं, तो इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं, होम्योस्टेसिस है ना. तो क्या पूछ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन को अच्छे रूप से एक्सप्लेन कर रहा है. तो फिजिकल एक्सरसाइज है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो ब्लड वेसल में बढ़ जाता है, सही लिखा है. और जब एक्सरसाइज रोक दी जाती है तब लंग्स की एक्टिविटी, हार्ट की एक्टिविटी वापस नॉर्मल हो जाती है, सही लिखा है. पैरासिम्पेथिक, और जब एक्सरसाइज हो रही है तो सिंपेथिक. और जब इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की रेट जब इंक्रीज होती है तो किस लिए? टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी. जब भी दौड़ रहे हैं तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है ताकि मसल जो है वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचाया जा सके. तो ये सारे के सारे ही कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है,
फिर से कॉलम मेज वाला है, और ये अपने ब्रेन जो है उसके अलग अलग पार्ट और उससे रिलेटेड जो फंक्शन है उनसे है। ओके, तो सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम के लिए पिट्यूटरी कंट्रोल, विजुअल टेक्टाइल कंट्रोल, हार्ट बीट, सीट ऑफ इंटेलिजेंस। सेरिब्रम जो है वो अपने सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट, फ्रंटल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो गया। तो ए का तो ले ले एस। फिर सेरिबेलम है ना, अनुमस्तक, बैलेंस, मसल कोऑर्डिनेशन, ये रहा मेंटेन बॉडी पोस्चर। बी का टी हो जाएगा। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के लिए हार्ट बीट, ये तो मेडुला है, ये मिड ब्रेन हो गया, और पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है ना, और पोर्टल सिस्टम और जो न्यूरल ट्रैक है उसके थ्रू वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। तो सी का हो गया पी। फिर मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जो है वो विजुअल टेक्टाइल और ऑडिटरी इनपुट को कंट्रोल करता है। वहाँ पर वो कॉलिकुलस होते हैं ना, सुपीरियर इन्फीरियर, और टेक्टाइल सब तुम लोग कहोगे कि मेन थ्योरी में तो नहीं है, तो मेन थ्योरी में तो नहीं है, लेकिन जो समरी है एंड में चैप्टर नंबर 21 के समरी के अंदर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इंटीग्रेट विजुअल टेक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट मिड ब्रेन के लिए, आप लोग चेक कर लो, है ना। तो इस तरीके से आंसर अपना मिड ब्रेन के लिए कौन सा हो गया, क्यों। तो देखना, ए का एस, ए का एस, बी का टी, बी का टी, सी का क्या है पी, सी का पी, ये रहा, और डी का क्यू, ये रहा, आंसर हो जाएगा अपना 4। ठीक है, अर्थवर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया आपको, लास्ट टाइम नीट में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था और सेक्शन बी में था, हमने भी सेक्शन बी में दिया, आप लोग छोड़ सकते थे, और अगर आपको आ रहा है तो आप लोग कर सकते हो, है ना। तो एनसीईआरटी में जितना फ्रॉग अर्थवर्म के लिए दिया आपको पढ़ लेना चाहिए, बाय चांस मान लो आपको जो सिलेबस में है नीट के वो क्वेश्चन नहीं आ रहा और ये आपको एनसीईआरटी से पढ़ के चले गए और ईजी आपको आ रहा है, तो आपको फायदा हो गया 4 नंबर का। तो क्या पूछा है कि इन मैच्योर अर्थवर्म विच सेगमेंट आर कवर्ड बाई ए ग्लैंडुलर टिश्यू कॉल्ड क्लाइटेलम, एनसीईआरटी की लाइन है। तो 14, 15 एंड 16 सेगमेंट, ये क्लाइटेलम वाले सेगमेंट है जो कोकून बनाते हैं, है ना, जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिर हो पाता है। तो आंसर हो जाएगा 4। नंबर क्वेश्चन, कंपैरिजन है किसके बीच में, रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी। ओके, ये देखो ये किडनी है और किडनी के अंदर जो ब्लड वेसल एंट्री कर रही है, मान लो ये तो हो गई रीनल आर्टरी, और जो बाहर आ रही है वो है रीनल वेन। तो जो रीनल आर्टरी अंदर ब्लड लेके जा रही है, यानी उसमें ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा और उसके अंदर यूरिया का लेवल भी क्या होगा, ज़्यादा, और ब्लड अंदर चला गया, फिल्टर हो गया, यूरिया कम हो गया, ऑक्सीजन दे दी, ऑक्सीजन सेल्स को मिल गई, तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया किसमें, रीनल वेन में। तो अंदर जाने के बाद जब ब्लड वापस बाहर आया तो वो तो यूरिया को देख के आया है ना, यानी रीनल वेन में यूरिया का लेवल क्या हो गया, कम, और O2 का लेवल भी क्या हो गया, कम, क्योंकि सेल्स को ऑक्सीजन भी तो देख के आया है। तो कंपेरिजन कर रहे हैं, तो पहला क्या लिखा है कि हायर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन एंड मोर क्या लिखा है, इन कंपेरिजन विद द रीनल वेन द रीनल आर्टरी कैरी, कि वृक्कीय सिरा की तुलना में वृक्कीय धमनी ले जाती है, कि रीनल आर्टरी में क्या है ना, तो रीनल आर्टरी में तो ऑक्सीजन ज्यादा और यूरिया ज्यादा है। तो देखें, हायर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन एंड मोर नाइट्रोजनस वेस्ट, ये परफेक्ट आंसर है। दूसरा देख लेते हैं, सेम तो नहीं है, सेम तो नहीं है, देखो सेम नहीं है, लोअर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ना, लोअर कैसे है, ऑक्सीजन तो ज्यादा होगी ना, प्योर ब्लड होगा, लोअर ऑक्सीजन ना, आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, 1, सिंपल सा था। फिर से कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन है और फीमेल कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन है और उसके अंदर जेनेटल पाउच की बात भी है। फीमेल में एनसीईआरटी में लिखा है जेनेटल पाउच जो वो 7th स्टर्नम 8 और 9 के साथ मिलकर के जो है ब्रूड पाउच का निर्माण फॉर्मेशन कर रहा है। तो इन फीमेल कॉकरोच जेनेटल पाउच इज फॉर्म्ड बाई, मादा कॉकरोच में जेनेटल पाउच का निर्माण किससे होता है, तो 7th स्टर्नम टुगेदर विद 8th एंड 9th स्टर्ना, अपना आंसर हो जाएगा। 7th स्टर्ना टुगेदर विद 9th, 10th दे दिया इसलिए गलत हो गया, 7th टर्गम नहीं है, स्टर्नम है,
सेवन स्टर्नम टुगेदर विथ एट एंड नाइन टर्गमनी स्टर्नम है, तो आंसर हो जाएगा वन। ठीक है, ऐसा ही एनसीईआरटी में मेल के लिए भी दिया है, चेक कर लेना, मेल के लिए भी है। एक मिनट रुकना, ये लो इसको रब कर दिया और इसको ये आगे कर दिया। ये क्वेश्चन बताओ किससे है, ये न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को रिलेट किया है हर्ट वाले चैप्टर से। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिक्रीज द रेट ऑफ हर्ट बीट, इनमें से कौन सा हर्ट रेट को कम कर देगा। तो देखिए, सिंपैथिक न्यूरल सिग्नल अनुकंपी तंत्रिकीय तंत्र तो हर्ट बीट को बढ़ाएगा, क्यों, क्योंकि वो एड्रेनलिन रिलीज करेगा, उससे हर्ट रेट बढ़ती है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अपने को कौन सा पूछ रहा है, डिक्रीज वाला पूछ रहा है। पैरासिंपैथिक न्यूरल सिग्नल जो है वो हर्ट बीट को कम करता है, क्यों, क्योंकि वो ऐसे नोड पे एसीएस रिलीज करता है, तो ये तो अपना आंसर बैठ जाएगा। फिर क्या है, एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन भी एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन रिलीज करते हैं और वो हार्मोन की तरह वर्क करते हुए हर्ट बीट को बढ़ा रहा है, तो ये भी अपन लोग नहीं लेंगे। वेगस नर्व जो है वो अपना ना मेडुला वाला पार्ट, उसमें पैरासिंपैथिक के साथ वेगस नर्व भी आते हैं और वो हर्ट बीट जो है पैरासिंपैथिक के साथ वेगस नर्व भी हर्ट बीट को कम करती है। तो अगर क्यों सुना जाए कि अगर वेगस नर्व को कट कर दें तो हर्ट बीट बढ़ जाएगी, है ना, तो वेगस नर्व भी हर्ट बीट जो है उसको क्या कर रही है, कम कर रही है, तो ये भी अपना आंसर बैठ जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन का लो लेवल दिया है, ये देखो लो, अगर थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कम है तो इससे भी क्या होगा, हर्ट बीट कम रहेगी, है ना, तो इसका मतलब वेगस नर्व भी कम कर रही है, थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल कम है उससे भी हर्ट बीट कम है, और ये पैरासिंपैथिक इसमें भी कम है, यानी बी में कम है, डी में कम है और ई में कम है, बी डी ई, ओनली बी डी ई आंसर अपना हो जाएगा। अगर थायरोक्सिन में ये एरो ऊपर होता तब हर्ट बीट बढ़ जाती, तब इसको अपन नहीं लेते, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रख रहा है। इसके अलावा कैल्शियम आयन का लेवल भी अगर ज़्यादा है तब भी हर्ट बीट बढ़ जाएगी, और अगर सोडियम पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है तब हर्ट बीट कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना, कब हर्ट बीट बढ़ती है कब हर्ट बीट घटती है ये ध्यान रखना। मतलब अपने हर्ट वाला जो चैप्टर है उसको एंडोक्राइन और न्यूरल जो चैप्टर है अपना 21 और 22 उससे रिलेट करके क्वेश्चन बनाया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि कौन से फैक्टर हर्ट बीट को बढ़ा रहे हैं और कौन से फैक्टर हर्ट बीट को कम कर रहे हैं, क्योंकि ये फुल सिलेबस टेस्ट है, इसलिए इसमें अलग अलग चैप्टर को रिलेट करके ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और क्या पूछ रहा है, विच द टू ऑफ द अबोव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, अच्छा कुछ स्टेटमेंट है उसमें गलत देख रहे हैं, ठीक है चलो चेक कर लेते हैं। और ये स्टेटमेंट किसके लिए, रिगार्डिंग ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र से संबंधित। तो देखो, आर्टरी आर थिक, सही है, धमनियों की जो वॉल है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, और अगर वॉल ज्यादा की थिकनेस ज़्यादा है तो ल्यूमेन नैरो हो जाएगी वेन के कंपैरिजन में, वेन की वॉल की थिकनेस कम है और ल्यूमेन का डायमीटर ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। फिर बी क्या है, एंजाइना एक एक्यूट चेस्ट पेन तो है, सही है, लेकिन कब होता है, जब हर्ट की दीवार में ब्लड का फ्लो कम हो जाए, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, वेन द ब्लड सर्कुलेशन टू ब्रेन इज रिड्यूस, नहीं ब्रेन नहीं, यहाँ पर हर्ट आता तब ये सही होता, ये तो रॉन्ग हो गया। फिर देखना, पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी वाला जो पर्सन है वो तो सबसे ब्लड ले सकता है, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और डोनर कौन है, ओ, तो यहाँ पर क्या लिखा, पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड टू एनी वन, ना गलत हो गया। कैल्शियम आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, सही है, कैल्शियम आयन तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4 है, वो कई स्टेप पर वर्क करता है, तो इसमें अपने को पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट बी और सी है, बी और सी का है इसमें, बी और सी ये रहा, तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, थर्ड। ठीक है, आओ ओके, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है और ये 11th के एनसीईआरटी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल,
उस वाली एनसीईआरटी मतलब उस चैप्टर में आ जाओ, और हिस्टोलॉजी से रिलेट करके ये क्वेश्चन जो आपको पूछा हुआ है, तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिए है, और देखें क्या है कि द बॉडी ऑफ हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड द नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप कैन बी 1000, सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। फिर क्या दिया है, फोर बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म ऑर्गन, ये भी सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। चार टाइप के टिश्यू मिलकर ही तो ऑर्गन बनाते हैं, और हर ऑर्गन में न्यूरल, कनेक्टिव, एपिथेलियल, मस्कुलर टिश्यू होते हैं। फिर टू ऑर्गन कैन नॉट परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटीग्रेशन, नहीं, दो अलग अलग जो ऑर्गन है वो ऐसा कर सकते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है, तभी तो बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाता है। तो इसमें कैन नॉट की वजह से ये वाला रॉन्ग हो गया, और द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू टिश्यू, ये भी सही है कि जो फाइबर है वो स्ट्रेंथ देते हैं, इलास्टिसिटी देते हैं, है ना, और इसीलिए ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो गया। रॉन्ग पूछा था तो रॉन्ग यहाँ पर थर्ड हो गया। ओके, तो इसके साथ अपना ये पूरा जो डिस्कशन है पेपर का वो कंप्लीट हुआ है, और सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, अच्छे नंबर आए होंगे, ऐसे ही बढ़िया मेहनत करते रहे, पढ़ते रहे, फिर मिलते हैं आगे, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।